Yeah, so hi all, Jain, we'll start this episode now. Basically, market view, अभी जो current trend है, वो तो थोड़ा up में लग रहा है, पर market range bound है, जैसा आप सबको ही पता है, क्योंकि आप trading करते हैं, तो आपको पता ही होगा, कि market range bound है, और range का break, जो levels पे मुझे लगता है, वो होगा, अगर Nifty 16400 convincingly close कर ले, और उसके ऊपर अच्छा सा क्लोज आ जाए एंड बैंक निफ्टी में वही लेवल होगा 36,000 का। तो अभी तक तो लग रहा है कि अच्छा ऐसा होना चाहिए आज यूएस मार्केट्स को देख के भी, बट वॉलेटिलिटी तो अभी है ही है और बहुत बहुत बड़े लेवल पे है। सो मेरा एडवाइस यही होगा कि अगर आप अच्छा ट्रेड पकड़ते हैं तो उसको अपने प्रॉफिट्स को मिनिमल रखिए और बुक करते रहिए एंड सिट ऑन साइडलाइंस। जहाँ आपको लगता है कि आपका टारगेट अच्छे से अचीव हो गया है तो आप बुक किए और कीजिए और साइडलाइंस पर बैठ के वेट कीजिए वापस अपॉर्चुनिटी का, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। मैं किसी एक व्यू में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बड़ा रेंज है 15,800-15,900 से लेके 16,400 तक। तो उस रेंज को अगर आप प्ले करेंगे तो एज ए ट्रेडर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड अपना रिस्क डिफाइन रखिए कि मेरा इतना ही रिस्क है, मैं इतने अपने कैपिटल से खेल सकता हूँ। अगर उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो इस मार्केट में भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स बाई करने के। देखिए अभी HDFC ट्विंस का एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको अच्छा मौका मिला था बाई करने का और जब अगर आप सोचते रह गए तो वो मौका चला गया। तो थोड़ा सा आपको एजाइल लेना पड़ेगा और अच्छे से ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी ज्यादा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ज्यादा रहेगी। रणवीर जी भाई, इफ यू कैन स्टार्ट विद योर व्यूज एंड देन वी विल टेक क्वेश्चंस। श्योर हिमांशु भाई, मेरा भी सिमिलर व्यू है। मैं लॉन्ग हूँ, ऑल्दो डेटा मिक्स्ड है, लेकिन मैं लॉन्ग हूँ बट मैंने हेज कर रखा है अपने आप को लॉन्ग साइड में। मेरा बायस लॉन्ग की तरफ है बट हेज्ड है बिकॉज यहीं पे दो तीन जो नेक्स्ट अपनी रेजिस्टेंसेज हैं वो ज़्यादा पास हैं। सो बेसिकली हमारा रेजिस्टेंसेज आर मच नियरर देन द सपोर्ट, यू नो। सो थोड़ा सा बिकॉज दो दिन से हम लोग मार्केट क्लोज कर रहे हैं ऑलमोस्ट एट द टॉप, सो देर इज़ नो पॉइंट बींग शॉर्ट विदाउट एनी सिग्नल, सो दैट इज़ वाई आई एम लॉन्ग। सेकेंडली हम लोग यू नो थोड़ा जो हमारे पास व्यूज में मेनली ऑटोस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अमित सर ने हीरो मोटो भी बोला था काफ़ी अच्छा कर रहा है। बैंक्स एंड ऑटोस आर द वंस विच आर गिविंग यू नो पुश टुवर्ड्स द लॉन्ग साइड। वीकर सेक्टर्स में आज थोड़ा आईटी में बाउंस है, कल से ही जो स्टार्ट हुआ था। मेटल्स थोड़ा सा वीक रहे बट इतने ज़्यादा भी नहीं। थोड़ा सा जो अपनी ऑयल कंपनीज हैं उनके अंदर कोई न्यूज़ थोड़ा सा आया हुआ है जिसकी वजह से वो लोग थोड़े से यू नो शॉर्ट। हाँ हिमांशु जी, रेणु जी आपकी उसमें ऐड कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि मार्केट जब वीक होता है तो आईटी सेक्टर सबसे पहले होता है जो अंडर परफॉर्म करता है, और मार्केट जब स्ट्रेंथ वापस लेता है तो आईटी सेक्टर ही आउट परफॉर्म करता है। ऐसा मतलब मेरा पर्सनल व्यू है जो मैंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व किया है। अगर आईटी अभी चलने लगा तो मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ है, इसमें कुछ आप ऐड करें तो। बिल्कुल हिमांशु भाई, एक्चुअली इस बार जब हम लास्ट टाइम जो टॉप बनाया था उसके बाद से आईटी में वीकनेस आया है। आईटी ही वन ऑफ द सेक्टर्स जो डाउन जा रहा है। सरप्राइजिंगली लास्ट वाली जब हम टॉप बना रहे थे ये जो अभी यू नो फेब के पहले वाला, उसमें फेब के मतलब मार्च डाउन के बाद जब हम अप गए थे उसके बाद जब हम डाउन आए सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी ने अपना लोस टच नहीं किया है। आईटी वॉज मोर वीकर सेक्टर डेफिनेटली। सो वीकर सेक्टर में कंफर्मेशन अब हम इसको माने रणवीर जी, उसमें ऐसा ना जो ग्लोबली अफेक्टेड जो दो सेक्टर सबसे ज्यादा है वो ऑटोज और आईटी ही है, और वो अभी
पुल बैक दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमित यू आर हियर, आई थिंक अमित इज बिजी राइट नाउ, सो वी विल टेक द क्वेश्चंस। हां, वी व्हाट वी विल डू हिमांशु भाई, वी विल टेक क्वेश्चंस आल्सो, वी विल यू नो लुक फॉर एवरीबॉडीज व्यू आल्सो एज मच एज पॉसिबल, एंड इन कंक्लूजन we will tell everything, so whatever we can ask. Okay, okay. Kishan ji ne sabse pehle request, to Kishan ji se chalu karte hain. Kishan ji bataiye aapka question. Haan ji, namaskar sir and jai hind sabhi ko. Hello, namaskar sir. Jai jai sir. Haan ji, bolie sir, bolie sir. My question is whether the 2 days rally is a relief rally or it is a bull trap, or it is a path for the foreign institutional investors to take away their profits more. Sir, अभी वो मैंने एक मैं आपको थोड़ा सा इसमें पहले आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, बताइए क्वेश्चन। हाँ, to some extent you have given the answers in your earlier remarks today itself, but a few days back an eminent person has come in the spaces and he has told that foreign institutional investors has till now not sold even a fraction of their holding. So can it be considered a path for them to exit more rapidly, or it is a trend reversal? Sir, it is not a trend reversal. The thing is, at the start of this speech, I told there are levels. If some levels are breached by a good margin, so you can assume it is a trend reversal, but it is not confirmed as yet, and it is not a bear market. Or वो उसको भी आप ये consider कर सकते हैं कि अभी एक बड़ा range बन गया sir, क्या के जब मार्केट बढ़ता है या घटता है तो उसमें एक छोटे रेंज में प्ले होता है, अभी एक बड़ा रेंज बन गया है 15,700-800 लेवल्स एंड 16,400 लेवल्स। अब उस लेवल के बीच में मार्केट घूम रहा है, ये लास्ट एक्सपायरी तो निकल गई है, इस जून वाली एक्सपायरी में भी अगर ये लेवल अच्छे से ब्रीच होता है तो आप ये समझ सकते हैं कुछ ट्रेंड रिवर्सल आएगा। अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है, अभी भी ट्रेंड ऐसा ही है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको अच्छे लेवल देख के शॉर्ट करना ही चाहिए, पर अगर वो लेवल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अगर उस लेवल को ब्रीच कर दिया तो फिर आपको मार्केट में लॉन्ग जाना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले वो दो लेवल्स बताए, निफ्टी के लिए मैंने आपको 16,400 बताया और बैंक निफ्टी के लिए 36,000 बताया। अगर इस लेवल के आसपास मार्केट घूम रहा है तो आपको उस रेंज में ही प्ले करना है, अगर इस लेवल को अच्छे से ब्रीच कर दिया और मार्केट वहां सस्टेन हो गया तो आपको लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने का प्रयास करना चाहिए। तो सर, एक जो हेल्थ रिलेटेड सेक्टर है, जैसे आज हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में काफी रैली आई है, तो क्या हम इस सेक्टर को अभी मान के चलें कि इसकी प्रॉब्लम इज ओवर और इट इज स्टिल देयर ओनली फॉर हेल्थ सेक्टर ओनली? सर, उसमें आप स्पेसिफिक स्टॉक बताएंगे तो हम आपको। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आज आप डॉक्टर लाल की बात कर रहे होंगे शायद, डॉक्टर लाल पैथ और अपोलो हॉस्पिटल। देखिए सर, इसमें जो ये सेक्टर जो इतना बड़ा था उसमें काफी सारे प्लेस थे। सबसे पहला तो हो गया कोविड का ही प्ले था, तो कोविड में टेस्ट ज्यादा होंगे, अगर कोविड ही यहाँ पे नहीं है तो टेस्टिंग भी कम होगी उसकी, उसमें बहुत सारे आपको स्टडी करना पड़ेगा सर। जैसे अभी एक 1MG करके जो पहले था उसको टाटा ने टेक ओवर कर लिया, तो हाँ, तो वो टाटा बहुत एग्रेसिवली प्ले कर रहा है टेस्ट में, वो पूरा उस सेक्टर को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर उसमें कोई ऐसा प्लेयर है जो टाटा से कम्पीट नहीं कर सकता है तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और स्टॉक को आउटलुक पूरा रखना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी मैं एक आपको एडवाइस दूंगा कि आप पूरा पढ़िए उस चीज को। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू किशन जी।
अमित इफ यू आर हियर किशन जी ऑन योर एफआईआई सेलिंग पार्ट सी हमें एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी. हमारे यहाँ पे खुद के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे एफआईआई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं. हाँ जी हाँ जी एक बार माइक को म्यूट कर लेंगे किशन सर. हाँ जी यस सर यस. वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था. सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे एफआईआई भी जो बहुत टाइम से भी बैठे हुए हैं. अब हर टाइम पे किसी ना किसी को जरूरत पड़ती है. मार्केट उनके भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं. हर कोई अपने मार्केट की तरफ भी देखता है, उनको कई और अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही होंगी. प्लस जो ये एफआईआई सेलिंग हम जो बात करते हैं, आप इस बात को एक बात को समझिए कि ये वर्ल्ड वाइड हो रही है. ये ऐसा नहीं है कि ये सेलिंग सिर्फ इंडिया से हो रही है. हम बिकॉज इंडिया के नंबर्स रोज रोज देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि इट इज़ मोर ऑफ अ इंडिया स्पेसिफिक सेलिंग. We need to see that if we just take 2022 only, you know, our market is in top 3 market. बाकी काफी market से सबसे कम गिरे में से है. So performance wise कोई ऐसा issue नहीं है. Secondly, initially जब FIA का पैसा लगे हुए थे सारे ज़्यादा, तब maybe आप ये कह सकते हैं कि retail इतना नहीं था या HNI इतने नहीं थे या हमारे DIIs इतने strong नहीं थे. अब वहाँ से भी सिमिलर स्ट्रेंथ आ रही है. मैच तो सर देखिए अल्टीमेटली मार्केट में को ये नहीं पता कि ये एफआईआई मनी है या ये डीआईआई मनी है या ये रिटेल का मनी है. उसको पैसे से मतलब है. मार्केट चढ़ने के लिए पैसा चाहिए, जब पैसा निकलेगा मार्केट गिरता है. सो उस वे में अभी तक जितनी भी एफआईआई सेलिंग हो रही है लास्ट 1 ईयर से मान लीजिए मोटा मोटा, इट हैज़ बीन at the moment it has been matched by some money coming in from domestic investors or retailers, whoever you want to call it. Domestic institutions ने आज भी उनकी सेल से ज्यादा परचेजिंग की है. देखिए किशन जी ऐसा है इसमें अगर secondly सर क्या होता है कि कुछ stock specific भी चीजें हो जाती हैं. उनके कौन फेवरेट थे या उनने किस में से कितना निकाला, इन चीज़ का भी होता है ना सर. सब कोई प्रॉफिट बुकिंग भी करता है ना. अगर मार्केट ख़राब लग रहा है किसी को मान लीजिए, या हमको आपको भी ख़राब लग रहा है, अगर आपकी मेरी बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट पड़ी है वो 10x 15x या इवन 2x भी हो रखी होगी, उसमें से भी हम पार्ट बुकिंग करते हैं ना सर. हर सेफ तो हर कोई रहना चाहता है. हिमांशु भाई आप कंटिन्यू करिए. नहीं मैं उसमें यही बोलना चाह रहा था कृष्ण जी, हमेशा डेटा मतलब टाइम चेंज होता है ना. पहले का टाइम कुछ और था, अभी का टाइम कुछ और है. अगर अभी आप पहले के टाइम से आज 2008 के हिसाब से अगर एफआईआई डेटा देख के ट्रेड करते तो अभी निफ्टी 10,000 पे या 11,000 पे होता मैक्सिमम. पर निफ्टी ने सस्टेन किया है, मेंटेन कर रहा है, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है लोगों का. तो वो भी आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है कहाँ पे. वो लेवल्स भी आपको देखिए सर, बहुत एक्सटेंसिव स्टडी है, थोड़ा सा मार्केट में पढ़िए ज़्यादा और करिए कम, है ना. एकदम सारा चीज़ अपन समझ लीजिए कि अपने को क्या करना है. उसमें आपको बहुत सारी चीज़ स्टडी करनी पड़ती है. आज जो DIA का पार्टिसिपेशन है उसमें जैसे रणविजय भाई ने कहा, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो रिटेल है, चाहे म्यूचुअल फंड्स है, चाहे XYZ कोई भी जो इंडिया से पैसा लगा रहा है, उसका पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग है और वो मैच कर रहा है. और मैच ही नहीं कर रहा है, वो आउट परफॉर्म कर रहा है. तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो FIA सेलिंग जो रणविजय भाई ने कहा एक साल में आई है, तो उसके हिसाब से निफ्टी 10,000 पे होना चाहिए था अभी तक. ठीक है सर, बिल्कुल आपका एनालिसिस सही है, बिल्कुल सही है. हाँ जी सर. ठीक है किशन जी, अब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया तो हम नेक्स्ट. हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर. थैंक यू किशन जी. किशन जी एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप लिस्टनर बन जाए तो हम और रिक्वेस्ट ले पाएंगे. नहीं मैं किशन जी को रिमूव कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. आशीष वाज नेक्स्ट इन द लाइन. जय हिंद एवरीवन एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. सर माय क्वेश्चन इज मतलब इंडेक्स पे तो आपने एक छोटा सा ओवरऑल व्यू दे दिया है, अभी भी मतलब वन साइड ट्रेंड नहीं है. बट माय क्वेश्चन इज कि लास्ट सीरीज में हमने देखा था कि बैंक निफ्टी ने 34,800 पे काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया था,
और वहां से हमेशा फिर सेल ऑफ आ रहा था। तो अगर यहां से अगर मार्केट ने अगर अप मूव भी देना है, मतलब अगर बुलिश मार्केट भी होना है, तो आर देयर एनी चांसेस कि एक बार वो वापस 34,800 पे जो पहले रेजिस्टेंस था वहां पे वापस एक बार सपोर्ट लेगा और फिर वहां से अप मूव ट्रेंड देगा? आशीष जी, इसमें लेवल्स तो एवरीडे चेंज होते हैं ना, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो तो आपके हाथ में है नहीं, पर एक लेवल अभी जो हो गया, जैसे अभी आई थिंक 35,500-36,000 पे कुछ क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी का, उसमें आप छोटे टारगेट्स बना के चलिए ना। आप 3,400 भी क्यों जा रहे हैं, आप पहले 35,000 का ले लीजिए, कि अगर 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ तो बैंक निफ्टी वीक है, तो बड़ा भी ऐसे ही है, वो घटेगा भी ऐसे ही। और अगर आपको बुलिश ट्रेंड लेना है तो आप 36,000 के ऊपर का लेवल देखिए, कि 36,000 के ऊपर क्रॉस किया निफ्टी ने, सॉरी बैंक निफ्टी ने, और वो सस्टेन हो रहा है, तो आपको बुलिश व्यू लेना है। एकदम एक्सट्रीम टारगेट्स पे मत जाइए, वो थोड़ा हो सकता है कि निफ्टी हर लेवल या बैंक निफ्टी हर लेवल टेस्ट कर सकता है वापस, वो ही हो रहा है इतने टाइम से। मैंने जो ब्रॉडर रेंज बताई वो यही थी कि अगर आप निफ्टी की बात करें तो 15,700 से 16,400 के बीच में पूरा ये मे सीरीज एक्सपायरी में घूमा है। अब अगर ट्रेंड रिवर्सल होगा तो 16,400 के ऊपर अच्छे से क्लोज करेगा तो उसमें ट्रेंड रिवर्सल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो वो सेम अप्लाई टू द बैंक निफ्टी। पर उसमें अगर आप थोड़ा सा अपने टारगेट्स मिनिमल रखेंगे तो उसमें आपको नुकसान भी कम होगा, या अगर आप लॉन्ग है और आपने प्रॉफिट के टारगेट्स भी थोड़े से छोटे रखेंगे तो आपको फ़ायदा होने के भी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। जी ठीक है, नहीं सर वो तो मतलब समझ गया मैं, बट यही मतलब था कि जो पहले एक रेजिस्टेंस था कि अभी क्या वो एक सपोर्ट बन सकता है? मतलब पर्सनली अगर बोलूँ तो मैंने थोड़े से पुट्स आज कैरी किए हैं, सो एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद एक बार 34,800 तक बैंक निफ्टी गिर सकता है, जो पहले रेजिस्टेंस था वहाँ पर सपोर्ट ले, या फिर अगर गिरना हो तो और गिर जाएगा, बट मतलब कह तो नहीं सकते। ओके ओके, आई थिंक रणविजय भाई एंड रणविजय भाई आपको आंसर देने के लिए बैठ जी, मैं देता हूं, उसके बाद चंदन सर भी हैं। सर देखिए, जाने का और रिटेस्ट करने के लिए जो आपका थ्योरी है वो भी नो डाउट होता है, लेकिन एक सेकंड थिंग हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस केस में अगर आप यहां से मान लीजिए 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे ले जा रहे हैं, तो उस टाइम पे निफ्टी का क्या लेवल रहेगा? फर्स्ट थिंग, बिकॉज इस टाइम जब हम सेकंड टाइम हम जो अभी बचे हुए हैं मार्केट में, या जो स्ट्रेंथ आ रही है वो बैंक निफ्टी से ही आ रही है। बैंक निफ्टी इज द लीडिंग सेक्टर दिस टाइम, जो कि मोस्टली नहीं हो रहा था अब तक। अगर आप ऐसे देखेंगे तो मार्च में जो मार्च का लो बना था बैंक निफ्टी ने, इस बार जब निफ्टी का लो मार्च में बना था, इस बार जो अपना मई में लो बना है निफ्टी का, बैंक निफ्टी ने अपना लो टच नहीं करा। करेक्ट करेक्ट, ऐसा ऐसा। सो इट इज नॉट कि सेम टू सेम हर बार हर चीज हो। बैंक निफ्टी ने ढंग से कल क्लियर किया। मेरा व्यू आज, जैसे आपका व्यू है, मेरा व्यू आज था कि हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं, हम नीचे जाके, लेकिन उसने उसी दिन, मतलब आज की आज में वो वापस ऊपर भी तो आ गए ना, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। हाँ जी, मतलब आज तो ऑब्जर्व किया था मैंने, मतलब काफी साइड तो बिना ट्रेड लिए बैठे थे, बट हर जो रेड कैंडल बन रही थी वहाँ पे, हर रेड कैंडल पे बाइंग आ रही थी नीचे से। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ, आज निफ्टी ने एक बार 100 पॉइंट का, एक बार 60 पॉइंट्स का ऐसे से शार्प डाउन भी दिए, लेकिन नीचे से बाइंग आके स्ट्रेंथ आ रही थी। चंदन सर आप बोलना चाहेंगे कुछ? रणवीर जी आपने मेरे को बोला क्या? हाँ जी चंदन सर, चंदन भाई जी देखिए, आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ मार्केट के ऑप्शन बाइंग के लिए। जिस भी एक्सपायरी पे ना ऑप्शन सेलर की लगती है, उसके नेक्स्ट डे ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। ओके। इसका कोई मार्केट के कोई रिलेशन नहीं है, या कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है। एक टाइम के साथ सीखा एक नुस्खा है, जैसे होते हैं सीखते हम लोग दादी माँ के नुस्खे, वैसे ये पिछले 12-15 साल में सीखा है मैंने। जिस दिन भी एक्सपायरी में ऑप्शन बायर्स की लगी है, सॉरी ऑप्शन राइटर्स की लगी है, उसके बाद ऑप्शन का प्राइस बहुत डल हो जाता है। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मेरे साथ के लोगों को भी मैंने आज कोई ट्रेड लेने के मना कर दिया कि आज, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मुझे ट्रेड नहीं करना था। आज सुबह से बोल रहा था, आप ट्विटर पर भी आ रहे थे, वो बुलाती है मुझे जाने का नहीं, इट्स लाइक अपने को ट्रेड नहीं करना था आज।
अपन बिल्कुल प्री डिसाइड थे कि आज हमको ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट कहीं भी जाए। और दूसरा देखिए, आप पुट लेके गए, स्ट्राइक जो भी हो पता नहीं, आप ऑब्वियसली आउट द मनी पुट लेके गए होंगे, 35,500 की सर। हाँ, तो आप आउट मनी के पुट लेके गए, बाजार चल रहा है वहां से आप 2000 पॉइंट नीचे के पुट लेके गए, am I right? नहीं नहीं सर, 35,500 की पुट ली है मैंने। 35,500 की पुट, मतलब आप एट मनी की पुट लेके गए ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट ऊपर की, नीचे की। जी जी, तो बट ये देखिए, तो एट दिस टाइम थीटा जो दुश्मन, और वो पता है कि दो दिन तक आपको मारने वाला है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल गई ना, फ्लैट खुल गई, नीचे ऊपर छोड़ दो, फ्लैट भी खुल गई, तो आपका ऑप्शन का प्राइस यहाँ से 20% नीचे मिलने वाला है आपको, एटलीस्ट 20% नीचे मिलने वाला है, 20% लॉस तो आपको देने वाला है। तो वीकेंड पे जब जाते हैं ना, तो नेकेड ऑप्शन बाई करना इज नॉट एडवाइजेबल, मैं नहीं करता। आई थिंक आई एम गुड ट्रेडर बट मैं नहीं करता। तो आप लोगों को भी नेकेड ऑप्शन बाइंग वीकेंड पे नहीं करनी चाहिए, और लॉन्ग वीकेंड पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चंदन भाई, इसमें ये भी एडवाइस करेंगे कि बहुत, जैसे अभी मार्केट ये था, बहुत नीचे का पुट या कॉल या थोड़ा इन द मनी रहने की कोशिश करें तो वो ज्यादा एडवाइजेबल होगा कि आप नहीं, वो ये एट द मनी गए हैं हिमांशु भाई, एट द मनी लेके गए, कोई बुराई नहीं है, बट एट द मनी लेके गए, आप लेके फ्राइडे को गए, आपका सैटरडे संडे का थीटा आपको खा जाएगा, और मंडे बैंक निफ्टी अगर ऊपर छोड़ दो, अगर फ्लैट खुल गई ना, तो भी आपका भाव 20% नीचे रहेगा, तो 20% लॉस तो आप लेके बैठे हैं ना, आपने 1 लाख का ऑप्शन बाई किया, तो आपको मंडे सुबह 80 जगह मिलने वाला है वो, अगर बैंक निफ्टी आपके अगेंस्ट नहीं खुली तो, अगेंस्ट खुल गई तो 1,50,000 रहने वाला है आपका। तो जब ऐसे सिनेरियो होता है तो एटलीस्ट आपको कुछ ट्रेड करना है, आपको दिख रहा है, आपको सेटअप में ट्रेड आ रहा है तो लेना है, तो उसको नेकेड कीजिएगा, उसको स्प्रेड बना लीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा बट ट्रेड रहे तो उसको रेशियो बना लीजिए, तो आपका नुकसान कम हो जाएगा उससे, आपका आपके लॉसेस बच जाएंगे उससे। आशीष जी, बस इतना ही है, और कुछ सवाल है तो आप, अगर मैं कुछ और कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर, मतलब यही बस पूछना था। ठीक है, थैंक्स थैंक्स सर, थैंक यू आशीष भाई। आशीष जी, आपको हम फिर स्पीकर से रिमूव कर लें, अगर हाँ जी, सारे क्वेश्चन होंगे तो। हाँ जी हाँ जी सर, हमारे राजीव जी, एक मिनट आप माइक म्यूट कीजिए। अमित, इफ यू आर हियर यू कैन लिसन। आई थिंक अमित इज नॉट हियर स्टिल। राजीव जी, आपका क्वेश्चन कंटिन्यू। हाय अमित, हाय मानचू, हाय चंदन सर, गुड इवनिंग रणविजिस, एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। हाय राजीव। सो चंदन सर, स्पेसिफिकली मैंने अभी ज्वाइन किया दिस स्पेस, दिस इज नॉट रिलेटेड विद द करंट ट्रेंड इन इक्विटीज, बट आई जस्ट वुड लाइक टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स। आई वाज लिसनिंग इन द लास्ट दिस स्पेस, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू एसोसिएट विद यू गाइज। तो चंदन सर, आपने ना 3 चीज़ें बोली थी, वो मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ, और आपने जो बोला उससे मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को रिलेट कर रहा हूँ। एंड थैंक यू अमित सर, इफ यू कैन लिसन टू मी सॉरी। सो आपने ना 3 चीज़ें बताई। पहला चीज आपने बताया था, देर शुड नॉट बी एनी एक्साइटमेंट इन ट्रेड्स, एंड दैट हैज बी बेनिफिटेड मी अ लॉट माई ट्रेडिंग जर्नी को, मैं आई एम रिफाइनिंग एंड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ एंड ऑल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक्साइटमेंट जिस भी ट्रेड में होता है, आई लूज दैट ट्रेड। फिर आपने बोला अभी की जो वॉलीटिलिटी चल रही है ना, उसमें वही सक्सेसफुल है, वेदर इट इज बैंक निफ्टी और निफ्टी या एनी प्रोडक्ट, इवन इन एनी स्टॉक, जो स्विफ्ट और एजाइल है। सो ये जो वर्ड आपने यूज किया ना, स्विफ्ट एंड एजाइल, ये दिस इज एन आर्ट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू ट्रेड, यू नो। अगर आप इस स्विफ्ट और एजिलिटी नहीं है, विच इज अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और फिर आपने एक चीज बोली थी कि देर शुड नॉट बी एनी व्यू, यू हैव टू मेक अ प्लान। तो तीनों चीजें मैंने डायरी में नोट की, मैंने कहा जब भी चंदी चंदन सर मिलेंगे और स्पेस मिलेगा, मैं तीनों चीजें बोलूंगा। तो आई एम अ वेरी परपेचुअल बुलिश इन TCS एंड ITC, मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन इसी में। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो बस मैंने थ्रू दिस योर एफर्ट्स, ऑल ऑफ यू, व्हाट यू आर डूइंग इन स्पेस, विच इज अ ग्रेट लर्निंग, यू नो, प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर मी आई एम स्पीकिंग, मुझे बहुत बहुत बेनिफिट हो रहा है, मुझे बहुत फायदा हो रहा है। इफ द वॉलेटिलिटी गोज अप इन द मार्केट, यू हैव टू बी एजाइल, यू हैव टू बी स्विफ्ट, एंड यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन। देखिए, अगर मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है तो आपके प्रॉफिट्स भी बड़े होंगे,
आपके टारगेट भी बड़े होंगे। पर अगर मार्केट एक रेंज में चल रहा है, आपको ये पता नहीं है कि मुझे क्या कैरी करके जाना है या मुझे, क्योंकि कैरी करने वाला ये मार्केट तो अभी तक भी मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपने अच्छे से ट्रेंड पकड़ा है तो उस ट्रेंड को आप कंटिन्यू कीजिए और एंड ऑफ द मार्केट उसको बुक कर लीजिए। चाहे आप, आपका एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं अगर 1-2 लाख रुपए दिन के कमाऊं, अगर वो आपको 25,000 भी मिल रहे हैं ना, उस रेशियो में भी आप उसको बुक करके जाइए एंड स्लीप पीसफुली, कम बैक ऑन द नेक्स्ट डे एंड डू योर ट्रेड। वो इस मार्केट के लिए अभी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप richest man in the world after 70 years. Every 10th Ferrari sold in the world, it is his Ferrari, you know. तो मोनिश पोब्रॉय साहब कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस से सीख लो तो बहुत बड़ी चीज है ना। So that's what my point is, कि मैंने जो एक्सपीरियंस से आपके सीखा वो दैट इज यू नो हेल्पिंग माई लॉट। सो वो एजिलिटी पॉइंट और सामने आपने पॉइंट बताया तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला, एक्साइटमेंट वाला पॉइंट, जो भी मैसेज, आई वुड लाइक टू थैंक यू। तो और लोगों को भी बोलना है, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू रिलेट ऑल दीज थिंग्स विद यू। सो थैंक यू चंदन सर, स्पेसिफिक थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो वील टेक द व्यूज ऑफ फैबुलो फर्स्ट ऑन द मार्केट्स एंड देन वी मूव ऑन। Yes, Fabulo. Thank you for the opportunity. As Amit Bhai says, Jai Hind first. My views haven't changed much. I'm still a little on the bearish side. Though most of the guys have become bullish. Expecting a bullish rally in a bearish market. But I'll be repeating the same reasons. Fed still has to trim its balance sheet, rate hike is still going to come, all the factors are going to play. So I'll be cautious. One more thing, as I said yesterday, small caps are not moving. Some of the small caps moved and some actually crashed even when the market rebounded. So it's going to be really, really, I'll tell you one thing. Aisa ho hi nahi sakta hai ki there is always a bull run going on somewhere in the market. You have to catch that bull run. और मार्केट में कहीं ना कहीं पे तो पैसा बन ही रहा होगा। शॉर्ट के साइड पे नहीं बोल रहा, I'm not talking about traders, I'm talking about pure investing, buy and sell. First you buy and then sell. Buy, hold, sell, whatever. So, कहीं ना कहीं पे तो बुल रन है एंड पैसा बनता है। So, you'll see lot of small caps were hitting upper circuits. But lot of other small caps were, जो बड़ी नहीं रहते। For example, one of the stocks 10% down in a day, and it is one of the favorite stocks in the paper industry. So that is how it was today. So it's going to be very. So the point I wanted to make is, it is going to be very, very, very stock specific going forward. पैसा बनने वाला है, no second thoughts about it. But you have to be in really good stocks and your research. This is the time where, actually the wheat would be separated from the chaff. So in the market as well as in the portfolio management community or fund managers. Only good fund managers will perform in this market. Because when the market is bull run, everything is running. When the market is bear, everything is falling. This is where the actual... skill would come into play. Only good fund managers will perform from here. market mein bhi wahi hoga, only good stocks will perform. And you need skill to pick off those stocks. Coming to Ranvijay sir, I actually went and researched about GIPL. I'm really bullish about the sector. Power sector is going to grow at 10%. So basically you got to understand, power sector is always tied up with the GDP. If GDP is going to grow at 7%, then it depends upon the industries that are going to grow in the country. So as India is becoming a manufacturing hub, Make in India, China Plus One model, PLI scheme. So manufacturing sector is going to grow and power consumption is going to increase definitely. So I at least see a growth of 10 to 12% in this sector. Now when you're sorting out stocks in power sector, na, you got to remember one thing. Going forward, it is going... I'll give you another good data point. To set up one coal plant, it takes about 6 crores. So about 1 megawatt ka coal plant aapko dalna hai,
तो आपको 6 crores लगेगा। अगर वही 1 megawatt का आपको सोलर डालना है तो आपको 5 crores लगता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रो क्योंकि वो बहुत किटकिट है, सो इट्स डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन कोल बिकॉज दैट इज द चीपेस्ट एज ऑफ नाउ। नहीं तो हाइड्रो में क्या डैम बनाना पड़ता है, विंड में आपको पता है इटली और जर्मनी समुंदर में जाके आइलैंड बना रहे क्योंकि उनको अभी विंड चाहिए, न्यू विंड चाहिए, उनके देश में विंड जाना बंद हो गई। सो कीपिंग हाइड्रो एंड विंड असाइड, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कोल वर्सेस सोलर। तो कोल का, कोल टेक्स अराउंड 6 crores फॉर 1 megawatt ऑफ प्लांट, सोलर टेक्स अबाउट 5 crores। कोल का जो परपेचुअल खर्चा है मेंटेनेंस का एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कोल, दैट इज वेरी टीडियस एंड दैट इज क्या बोलते हैं, टू मच ऑफ रिलेटेड टू जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो एनी कंपनी दैट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कोल, आई स्टे अवे। दैट इज माई फर्स्ट रूल इन पावर सेक्टर। माई सेकेंड रूल इन पावर सेक्टर इज स्टे अवे फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, क्या है, ये लोग बिजली बनाती है वापस से बेचती है गवर्नमेंट को, रिसीवेबल्स में अटक जाती है, जब भी मन चाहिए तभी पैसा मिलेगा। सेकेंडली गवर्नमेंट चेंज हो गई और इनका कुछ 36 का आंकड़ा रहा कि लाइक यू नो अगर पहले कांग्रेस थी, अभी आई एम अगेन टू डिस्क्लेमर, आई एम पॉलिटिकली एग्नोस्टिक, बट अगर कोई जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बीजेपी थी एंड दे वर गुड विद बीजेपी, फिर कांग्रेस आ गई, देन वो किटकिट होता है। सो आई स्टे अवे फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज इवन ऑन माई पोर्टफोलियो बेसिस, अनलेस एंड अंटिल आई फील नहीं अभी तो बुल आना ही है इस गवर्नमेंट सेक्टर में, सो आई स्टे अवे। सो दीज आर दी टू सेक्टर्स, अदरवाइज द कंपनी लुक्स रियली गुड, नो हार्म इन द कंपनी, काइंड ऑफ अ वैल्यू स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक तो नहीं बोलूंगा मैं, बट काइंड ऑफ अ वैल्यू स्टॉक एट 89 और व्हाटएवर द प्राइस इज, सो या नॉट अ बैड टू हैव इन योर पोर्टफोलियो, बट डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 10-15% CAGR इन इट। सो इफ आई कैन जॉइन इट, बैंकिंग निकाल के देखोगे ना, आई वॉज लुकिंग एट एक्सिस बैंक, आई वॉज लुकिंग एट कपल ऑफ अदर, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो इन लोग का जो निम है ना, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, या जो इन लोग पैसा कमाते हैं लोन दे के, दैट इज अदर इनकम इज मोर देन, सो दे आर जो फीस इनकम है, क्रेडिट कार्ड पे हम लोग फीस देते हैं, या जो ट्रेडिंग इनकम है ट्रेजरी की, दैट इज मोर, अदर इनकम इज मोर देन दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वन मोर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज देयर प्रॉफिट्स आर मोर बिकॉज अर्लियर दे हैड रिपोर्टेड इमेंस एनपीएस, सो एनपीएस हैज रिड्यूस, सो वी आर एट दी बॉटम ऑफ बैंकिंग साइकिल। बैंकिंग इधर से जा सकता है तो एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा सकता है, देर इज नो वे डाउन बिकॉज एनपीएस आर लोएस्ट इन लास्ट 10-12 ईयर्स। ग्रोथ अभी, सेकेंड थिंग दैट इज गोइंग टू इफेक्ट इज दी कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल। कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल अभी तक चालू नहीं हुआ है। देखो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लोग केपेक्स तो करने वाले हैं, गतिशक्ति खुद एक 1 lakh crore का प्रोजेक्ट है, सो दैट कीपिंग दैट असाइड, गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड लाइक क्रेजी। The thing is that even the private sector is, government and private sector are both waiting, क्योंकि अभी अगर उन लोगों ने spend करना, एक तो inflation ज़्यादा है तो उनको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर अभी खर्चा चालू कर दिया ना तो the economy is going to be really really overheated, inflation पहले ही ज़्यादा है, so let it cool down 6-9 months, एक बार inflation control में आएगा, trust me government अकेला, banking अकेला निफ्टी को भगा के लेके जाएगा, I'm very bullish on this sector. Thank you for yes, Amit, continue your views on the market first and then we'll take up the discussion. So if you have read any technical books, so usme bahut simple cheez likha gaya hai, trend agar aapko dekhna hai to aapko apna time frame decide karna padega. Aap monthly chart dekh rahe ho, aap yearly chart dekh rahe ho, aap hourly chart dekh rahe ho, aap weekly chart dekh rahe ho, aap daily chart dekh rahe ho, aap hourly par aa gaye, 5 minute par aa gaye, तो ट्रेंड आपका टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा, आप कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो पहले तो ट्रेंड वहां पे डिसाइड करो कि आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो. ठीक है, जब तक आप वो डिसाइड नहीं करोगे, मैं मंथली का चार्ट भी फॉलो करता हूँ, मैं वीकली भी करता हूँ, मैं डेली भी करता हूँ, इंट्रा के लिए मैं 5 मिनट 15 मिनट भी करता हूँ, और कम पड़ जाएगा तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे भी चला जाता हूँ. तो ट्रेंड को ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ट्रेंड क्या है, ट्रेंड आप क्या टाइम फ्रेम देख रहे हो उस पर आपको ट्रेंड डिसाइड करना है. दैट इज द बेसिक एनालिसिस ऑफ टेक्निकल्स. मतलब जब टेक्निकल आप सिंपल सीखना शुरू करते हो ना, सबसे पहले यही चीज सिखाई जाती है,
भैया आपके टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, कि एक बहुत लंबे टर्म के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्टर हो, तो पहला चीज वहां पे कट जाता है। नाउ कमिंग बैक टू अ बिगर ट्रेंड, दैट इज मंथली चार्ट। मंथली चार्ट ने अभी तक 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज नहीं तोड़ के सस्टेन किया है, दैट इज अ सिंपल पार्ट। हाँ, तो सबसे सिंपल चीज है जो कोई भी चार्ट पे प्लॉट कर सकता है, उसमें है ना कोई दिमाग नहीं लगाना, किसी को कोई दिमाग नहीं लगा, एक सिंपल 20 डेज का ऐसे में प्लॉट करके देख लो कि भैया उसके नीचे क्लोज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और पास्ट में चेक कर लो। देखो एविडेंस होना चाहिए अपने पास कि पास्ट में जब उसने 20 डेज का ऐसे में तोड़ा है तो क्या किया। 25 साल का हिस्ट्री अपने पास निफ्टी का है, तो जाके चेक चार्ट चेक कर लो कि भैया जब जब तोड़ा है कितनी बार तोड़ा है, लास्ट 20 साल में, लास्ट 25 साल में कितनी बार तोड़ा, और उसके बाद क्या हुआ है। अगर नहीं तोड़ता और सस्टेन करता है, मतलब वो जो 20 डेज का मूविंग एवरेज सिंपल आ रहा है, अगर उसको सस्टेन करके ऊपर चल रहा है तो वो ऊपर अच्छा ही है। फिर उसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे ले आओ कि भैया वीकली में, क्योंकि मंथली चार्ट मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग ट्रेड करते रहेंगे। वो ट्रेड है आपके ETF के लिए, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको निफ्टी का ETF खरीदना है उसके लिए, आपको बैंक निफ्टी का 20 खरीदना है, आपको लॉन्ग टर्म के भैया मुझे मेरे बच्चों के लिए पैसा बचाना है या मुझे कुछ करना है, वो चार्ट उसके लिए। वो चार्ट अपने जैसे जो अपन हम सब तो बोलते हैं कि भाई हम सब बैठ के है ना सिर्फ दिन भर बैठ के मार्केट देखते रहते हैं, 5-5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते, तो महीने भर का चार्ट मेरे लिए काम का नहीं। पर महीने भर का चार्ट मेरे लिए क्यों काम का है कि भैया अगर मंथली में मुझे सपोर्ट दिख रहा है, अगर मंथली में सपोर्ट दिख रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं वीकली में भी सपोर्ट आएगा, वीकली में सपोर्ट आएगा तो हो सकता है डेली में आ जाएगा, तो मुझे कन्फर्मेशन चाहिए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ ना, विवेक ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है मल्टीपल टाइम्स ऑफ एनालिसिस का, जाके उसकी पढ़ना एक बार, उसने बहुत अच्छे से समझा कि भैया आपके तीन टाइम फ्रेम एटलीस्ट एक दूसरे से कंजंक्शन में होने चाहिए कि भैया तीनों टाइम फ्रेम, आप जो भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डेली कर रहे हो तो पहले डेली पे कंफर्मेशन ले लो कि भैया डेली पे रिवर्सल आया नहीं आया, उसके बाद आर्ली पे ले लो, उसके बाद 5 मिनट पर आ जाओ, 15 मिनट पर आ जाओ, जो भी आपको टाइम फ्रेम सूट करता है, तो ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो ट्रेंड क्या चल रहा है वो आपके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। आप 1 मिनट 3 मिनट और 15 मिनट का चार्ट देख लेते हो और बात करने होगी मंथली चार्ट की, तो दैट डजंट मेक्स अ सेंस, दैट एब्सोल्युटली डजंट मेक्स अ सेंस, बिकॉज़ आई फॉलो मंथली चार्ट मच मोर देन आई फॉलो डेली चार्ट और वीकली चार्ट टू फॉर्म माय व्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब हम इतने टाइम से बोल रहे थे भैया 15,600 15,700 होल्ड होता है, यहाँ पे आप SIP इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट इन दिस करंट मार्केट सिचुएशन। आपका लॉस है 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट पकड़ लो मैक्स, अगर 15-500 तोड़ता है 100-200 पॉइंट के लिए रुक जाओ, उसके बाद देखो बाजार में क्या होता है। चलो ठीक है, अपन इसको बाउंस बैक पकड़ लेते, अपन इसको ट्रेंड चेंज नहीं पकड़ते। ट्रेंड चेंज कब पकड़ेंगे, मैंने कल भी जब स्पेस कर रहे थे सिंपल बोला था 20 डेज का मूविंग एवरेज है अराउंड 16,350 और 16,400, सबको पता है। अगर उसके ऊपर मंडे को सस्टेन कर जाता है एंड आई अगेन गिव इट 2 डेज कि भैया 2 दिन उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मतलब पहली बार अप्रैल के बाद ऐसा होगा कि 20 डेज का मूविंग एवरेज जो सिंपल मूविंग एवरेज है, इसमें कोई आपको लॉजिक यूज नहीं करना है, कुछ ही नहीं करना है, आप जाके खुद चार्ट पे प्लॉट करके देखो कि अगर वो सस्टेन करता है तो क्या मूव देता है उसके बाद। ये थोड़ा सा स्टडी आपको करना पड़ेगा, हर स्टडी में आपको करके दूंगा नहीं, मैं आपको एक रास्ता बता दिया, मैं पकड़ लो मैं आपका गाइड हूं, मैंने बता दिया कि सर यहाँ से आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है ना तो ये आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे नहीं मुझे ऊपर तक छोड़ के आ जाए, तो भैया आप क्यों जा रहे हो, मैं ही चला जाता हूँ ना, तो थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो आप उस टाइम फ्रेम को डिसाइड करो, ट्रेंड अभी ओवरऑल देखो साइडवेज है, मोटा मोटी बिगर टाइम फ्रेम पे पकड़ोगे 15,600 इज योर बॉटम एज ऑफ नाउ, 18,600 इज योर टॉप एज ऑफ नाउ। जब तक इसी रेंज में घूमता रहेगा कोई ट्रेंड है ही नहीं मार्केट में, बिगर साइडवेज ट्रेंड है जिसमें बाउंस आ रहा है बाउंस जा रहा है। टिपिकल डाउ थ्योरी पढ़ के आओगे तो टिपिकल डाउ थ्योरी में भी लिखा है आफ्टर द प्राइमरी फेज देयर कम्स अ सेकेंडरी फेज, ये सेकेंडरी फेज चल रहा है मार्केट का। वो मतलब जितना मुझे थोड़ा सा नॉलेज है 18 साल का, मतलब मुझे लगता है बहुत कम नॉलेज है, 30-40-50 साल हो जाएंगे तो शायद मुझे थोड़ा और नॉलेज आ जाएगा, शायद थोड़ी और अकल आ जाएगी। तो अभी भी मुझे यही लगता है कि भैया ये प्राइमरी ट्रेंड जो 7500 से चल के निफ्टी 18,600 मारा, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में गया है, क्योंकि एक साथ इतना लंबा रैली मारोगे तो आपके जितने इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूँ सब इतने ओवरबॉट हो गए थे ना, तो उसको करेक्शन आया साइडवेज में चला गया। अब आप 3,000 पॉइंट पकड़ोगे कि सर 3,000 पॉइंट बहुत बड़ा होता है, भैया 18,000-15,000 की निफ्टी है, 10-20% करेक्शन नॉर्मल होता है। आप 2003 से मार्केट देखो, 2008 तक का मार्केट एक बार स्टडी करके आओ, 30-40% करेक्शन नॉर्मल थे, उसके बाद वो बुल मार्केट चलते थे।
तो बुल मार्केट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि भैया वो साइडवेज करेक्शन में भी चला जाएगा। क्या आपको पकड़ना पड़ेगा कि भैया एम्पिरिकल एविडेंस मेरे पास क्या है पुराना? एम्पिरिकल एविडेंस इंडिया का निफ्टी बहुत छोटा है 25 साल का। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि भैया अगर आपको कोई चार्ट पढ़ना है तो आप सबसे जाके पहले चार्ट पढ़ो डाउ जोन्स का, जिसका एटलीस्ट प्रूवन हिस्ट्री है ऑफ लास्ट 130 इयर्स ऑलमोस्ट नाउ की हिस्ट्री है, वो चार्ट पढ़ना शुरू करो। उसका मंथली चार्ट जहां से जहां निकाल सकते हो, भैया 1929 में क्या हुआ, 1940s में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, ये तो अपन रशिया यूक्रेन का वॉर पकड़ते हैं, वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ, करेंसी क्राइसिस, उसने उस चार्ट ने सब कुछ देखा है। तो उसके लिए वो मदर चार्ट है, उस मदर चार्ट को नहीं पढ़ोगे ना तो आप जितना टेक्निकल करते हो जितना पैसा कमाए ना, बाजार को एक दिन लगेगा पैसा उड़ा के आपका ले जाएगा। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि भैया अभी क्या लगता है अपन, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है सब, ठीक है, किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा 1929 में क्या हुआ या 1908 में क्या हुआ या रेल रोड की स्टोरीज क्या होती थी डीजीआई में, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है, हमने पढ़ पढ़ के ही सीखा है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। तो उस टाइम की अगर स्टोरीज पढ़ोगे ना तो उसमें यही दिखाया गया है कि भैया एक सेक्टर जब चल रहा है तब वही चल रहा है, हो सकता है कोई सेक्टर खत्म ही हो जाए जिंदगी भर के लिए। आज आप डाउ जोन्स का इंडेक्स देखोगे ना, उसमें रेल रोड का कोई स्टॉक ही नहीं बचा है, आज सारी न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज घुस चुकी है उसमें। हो सकता है 50 साल बाद कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगी, ये गूगल ना रहे, मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, भैया मुझे इतना नॉलेज होता तो मैं टेस्ला वेस्ला सबको शॉर्ट करके, मुझे नहीं नॉलेज है। हम तो सिर्फ हिस्ट्री के पीछे जा सकते हैं जो हिस्ट्री बताती है एविडेंस के साथ कि भैया ये हुआ था वो हुआ था। एक सिंपल एग्जांपल है, कोडाक करके कंपनी थी जो अपनी ये कैमरा की रील्स बनाती थी, वो कंपनी गायब हो गई। हाँ रणवीर जी, नहीं मैंने बोला था वो फिल्म कोडाक फिल्म बनाती थी जो कैमरा में लगती थी। हाँ वही, वो कंपनी गायब हो गई कि उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। तो आज का टाइम कैसा हो गया कि आपको नए टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, नया टेक्नोलॉजी लाओगे पुराने में बैठे रहोगे तो आप उड़ जाओगे। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का बात, शॉर्ट टर्म की बात सिंपल है भैया, 15600 15600 16400 एटलीस्ट 16400 के ऊपर एक दो दिन सस्टेन करता है, 16800 आपका नेक्स्ट लेवल होता है, 16800 के बाद क्या करता है 17200 मुझे दिखता है। 17200 के बाद अगर मार्केट चलना शुरू हुआ, आप प्रीवियसिंग हाई प्रीवियसिंग लो जोड़ना शुरू करो, वह आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक निफ्टी कंपैरिजन, बैंक निफ्टी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू निफ्टी एज ऑफ नाउ, ऑटो सेक्टर इज मच मोर पावरफुल कंपेयर टू दिस निफ्टी नाउ, इवन कंपेयर टू बैंक निफ्टी नाउ। जब हम पुराने में जब हीरो होंडा मोटर का केस आया था 2150 का भाव चलता था, तब भी मैंने बोला था भैया पैनिक है मार्केट में, खरीद के जाना है इसको, पेशेंस रखना है, पैसा देके जाएगा। It was trading at 2200 in one of those spaces I have discussed that. Today it is almost at 2700 levels. हम ऑटो सेक्टर इतने टाइम से पकड़ के चले, भैया ऑटो में पैसा लगाना, ऑटो में पैसा लगाना, मैं तो बिना डेटा देखे, भैया स्क्रीन ना समझ में आए तो डेटा देख के प्राइस देख के क्या समझोगे आप। तो जो चल रहा है जिसमें लग रहा है कि भैया ये नहीं गिर रहा है, जो गिर रहा है गिर रहा है। सबको HDFC नीचे में खराब लगता था, HDFC इसी हफ्ते इसी वीक 6% का रिटर्न देके गया। अभी HDFC बैंक जैसा 6% रिटर्न दे रहा है तो ठीक है, जो उसमें सेलिंग आना था एक बार का आ गया, जिसको निकलना था निकल गया, जिसका माल कटवाना था कट गया, कोई स्मार्ट हैंड घुस गया उसमें, अब कौन घुसा हमें नहीं पता। कमिंग बैक टू दैट FII DI डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, हम जो डेटा पकड़ रहे हैं ना वो डेटा फ्लॉट पकड़ रहे हो आप सब लोग। मैं हमेशा बोलता हूँ डेटा सिर्फ प्रोविजनल डेटा मत देखो, ये जितने न्यूज चैनल वाले हैं जितने लोग आके डालते हैं कि 2009 से लेके इतना खरीदा ये बेचा, भैया इतने सारे IPO उसमें पैसा भी लगा, तो वापस NSDL की साइट, वो NSE की साइट पे खुद पे लिखा होता है कि भैया लास्ट का जो डेटा आएगा जो कंफर्मेशन आएगा वो NSDL की साइट से आएगा, ये प्रोविजनल डेटा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है फाइनल डेटा है। NSDL की साइट फाइनल डेटा देती है, उसमें आपके पास उन्होंने एक्चुअल में क्या बेचा, एक्चुअल में IPOs में कितना पैसा लगाया, वो तो कोई पकड़ता ही नहीं है, हम सिर्फ एक साइड का डेटा देख रहे हैं। इसके लिए हमारे डेटा रीडिंग ही गलत है। हम जो डेटा माइनिंग करने जा रहे हैं ना, लोग बोलते हैं हम डेटा माइनिंग करते, भाई डेटा माइनिंग क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर अश्विनी ग्रोवर की लैंग्वेज में बोलूं ना, भैया आप अपना टाइम ही खराब कर रहे हो और कुछ ही नहीं कर रहे। तो आपको डेटा उस तरीके से देखना पड़ेगा कि भैया ओवरऑल डेटा क्या बन रहा है। हम 10 बार स्पेस में बोल चुके हैं कि भैया आप आधा डेटा पढ़ते हो, आधा डेटा को पकड़ के आधा समझते हो, और उस आधा को समझने के बाद
आधा एग्जीक्यूट करते हो, आप सिर्फ कैश मार्केट का डेटा देख रहे हो। आप जाके वापस चेक करो डेटा जो फ्यूचर मार्केट में हो, क्या काम कर रहा है। फ्यूचर मार्केट का डेटा पकड़ोगे ना, जहाँ एनएससी का एफआईआई डेटा आता है, एनएससी पे सॉरी एफआईआई का डेटा आता है, रिटेल का डेटा आता है, क्लाइंट का डेटा आता है, क्लाइंट का डीआई का और प्रो का डेटा आता है। कल का अगर मैं सिंपल पिक्चर बोलू ना, कल क्लाइंट शॉर्ट बैठा था ऑप्शंस में कॉल साइड में, एफआईआई लॉन्ग था कॉल साइड में, ठीक है। ये डेटा जाके स्टडी करना। आप बोलोगे डेटा का मिलता है, भैया एनएससी की साइट इतनी बड़ी है, जाके रिसर्च तो करो। हमें भी कोई सिखाने वाला नहीं था, हमने भी जाके ना सर फोड़ फोड़ के सीखा कि भैया डेटा कहाँ से निकलता है, डेटा कहाँ से निकलता है। वो एनएससी ने 2013 या 2012 में वो डेटा निकालना शुरू किया था, हमें भी नहीं समझ में आता था स्टार्टिंग के दो साल में, कुछ नहीं समझ में आता था डेटा क्या है। पर धीमे धीमे उसको जब समझना शुरू किया ना, तो समझ में आया कि भैया उस डेटा में से हमें पावरफुल पार्टी निकालना है। वो कैश मार्केट में बेच रहा है, वो फ्यूचर में लॉन्ग खड़ा है, वो बोल रहा है कि भैया यहाँ मुझे 25% में पैसा मिल रहा है, तो मैं क्यों मेरा 100% पैसा लगाऊं उसमें, मैं 28% में रिलायंस खरीद के खड़ा हो जाऊंगा, बाकी का मार्जिन कहीं मैं बॉन्ड्स में घुमा दूंगा। तो हम डेटा ही आधा पढ़ रहे। आपने कभी बॉन्ड्स का डेटा देखा है कि बॉन्ड्स में कितना पैसा डालते हैं, वो नहीं देखते। इसके लिए आप डेटा सिर्फ एक साइड का पकड़ लो, डेटा ऐसे नहीं पकड़ा जाता है। ये आपका तरीका। हिमांशु ऑडिबल? यस यस। तो डेटा ऐसे नहीं पढ़ा जाता, डेटा है ना पूरा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और कई सालों तक स्टडी करने के बाद आपका एक निचोड़ निकलता है कि भैया हम ये डेटा पढ़ क्यों रहे हैं। एक दिन में उस डेटा को कुछ कंक्लूड करके नहीं जा सकते। जब मैं और अंकित इस स्पेस पे बात करते हैं ना, अंकित शायद नहीं आज, वरना मैं और अंकित क्या बात करते हैं कि आज इसने क्या बेचा, इसने क्या खरीदा, तो हमें समझ में आता भैया पावरफुल पार्टी कौन सी है, हमें पावरफुल पार्टी के साथ रहना है। लास्ट बार जब 15600 से 18300 गया था ना, तो क्लाइंट कैटेगरी सबसे पावरफुल कैटेगरी थी, इस बार प्रो कैटेगरी सबसे पावरफुल पार्टी बनी चाहिए। वो नीचे शॉर्ट कर रही थी और उसने लॉन्ग भी करके गई। तो ये डेटा है ना, आपको धीमे धीमे समझ में आएगा कि भैया पावरफुल पार्टी कौन है, मुझे एफआईआई के साथ रहना है कि मुझे क्लाइंट के साथ रहना है कि मुझे प्रो के साथ रहना है। ये बदलता रहेगा डेटा, इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि एफआईआई सिर्फ पैसा कमाएगा या क्लाइंट ही पैसा कमाएगा या अपना ये प्रो ही पैसा कमाएगा। तो इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। मैं वापस एक एग्जांपल रिपीट करता हूँ, राजेंद्रन मार्केट कॉल्स वाला, ठीक है। जब हम साथ बैठे थे ना, तो उसने मुझे डेटा दिखाया था ऑन दिस लाइन चार्ट, क्या मैं 6 महीना एफआईआई पैसा कमाएगा, 3 महीने एफआईआई पैसा तोड़ेगा, 3-4 महीने रिटेल मतलब क्लाइंट कैटेगरी के लोग पैसा कमाएंगे, क्लाइंट कैटेगरी में अपन भी आ जाते। तो मतलब ये गेम सेम है सबके लिए। वहां पर भी जो एफआईआई बैठे ना, कोई स्मार्ट मनी जिसको बोलते हो, कोई स्मार्ट मनी नहीं है, वहां पर भी अपने जैसे इंसान ही बैठे, वो भी अपने जैसे ही दिमाग लगा रहे, ठीक है। उनके पास अपने पास अपने से ज्यादा क्वांट्स रहेंगे, अपने से ज्यादा एल्गोस रहेंगे, अपने ज्यादा एग्जीक्यूशन कैपेसिटी रहेगी, पर वो भी लास्ट में इंसान ही है, ठीक है। वो सब कुछ मशीन पे नहीं छोड़ के जाते, लास्ट में उनको डिसीजन लेना पड़ता है, भैया मारो ना मारो। उनका मशीन बोल देगा ना, कभी वो हाथ खड़ा कर देंगे भाई नहीं मारने का। तो डेटा ऐसे नहीं पढ़ा जाता है भाई, डेटा पढ़ने में ना सालों साल लग जाते हैं, तब डेटा आपके दिमाग में घुसता है क्या भाई ओवरऑल क्या हो रहा है। हम रोज डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, आधा घंटा मेरा, आधे से पौन घंटा, सब कुछ अवेलेबल होता है हर फ्री साइट पर, पेड सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे कि भैया ये डेटा बना, पर उसको समझना कैसा, उस समझने के लिए दिमाग चाहिए होता, उसको आपको समझने के लिए कई साल लगेंगे, महीनों में नहीं होगी वो चीज। तो हिमांशु फॉर टाइम बीइंग या परफेक्टली एक्सप्लेन अमित, थैंक्स अ लॉट। हाँ संदीप जी बताइए, आपका क्वेश्चन काफी टाइम से आप। अमित सर, अमित सर इतना इतना मत डराओ लोगों को कि डेटा समझने के लिए यू नो लोगों को जीवन निकल जाए। मैं आई विल गो बैक टू योर यू नो सिंपल एनालॉजी दैट यू गेव यू नो अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, जिसमें आपने ये बड़ी क्लियर बात बताई थी, एंड आई एग्री टू दिस कि इस साल मार्केट विल बी अ रेंज बाउंड, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी ब्रेकआउट और यू नो वेरी मल्टी ईयर रिटर्न्स और समथिंग लाइक दैट। तो वो बात मुझे बहुत ही शानदार लगी थी, और जिसमें जिस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और यू नो क्वार्टरली आपने कहा था ये कि तब हम मेरे ख्याल से 16,000 के आसपास थे, वी वर एट 16,000 कपल ऑफ मंथ्स बैक। तो आपने ये वाली बात बड़ी क्लियरली समझाई थी कि 3,000 प्लस ऊपर और 3,000 नीचे निफ्टी, दीज आर व्हाट द लेवल्स आर मैक्सिमम।
तो उसको मैं पकड़ के मैंने यू नो वेरी कन्वीनियंटली, मैंने ज्यादा नहीं बट हर क्वार्टर के ये वाले लेवल्स में शॉट मार देता हूं, पर ये दोनों लेवल्स नहीं आते इन दैट क्वार्टर. तो इतना भी डिफिकल्ट मत बनाइए अपने फॉर पीपल. इट इज इजी, ओनली थिंग इज यू जस्ट हैव टू बी फॉलोइंग वेरी सिंपल रूल्स एज यू नो एज सिंपलिस्टिकली यू पुट इट समटाइम्स. अभी संदीप, मैं हमेशा चीज सिंपल रखता हूँ. लोग डेटा को कॉम्प्लिकेट करते हैं ना मुझे, क्योंकि हमें भी डेटा समझने में, क्योंकि हमें देखो कोई समझाने वाला नहीं था. हमें ना हमने खुद दिमाग फोड़ फोड़ के भैया ये डेटा बनता क्यों है, कैसे बना, क्या हुआ, वो समझने में कई टाइम लगा. हमने एक्सेल शीट इतनी सारी बनाई, आप विश्वास नहीं करो मैं रोज सिर्फ एक्सेल शीट ही बनाता था. प्रोविजनल कैश सेलिंग, अभी वो प्रो क्लाइंट थोड़ी सी डिटेल अवेलेबल है, इंडेक्स शॉर्ट इंडेक्स लॉन्ग वो थोड़ी सी डिटेल्स और अवेलेबल है. पहले अगर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे देखा जाता था तो यू नो आई यूज्ड टू लुक एट कि इक्विटीज में कितना गया और डेट में कितना गया, यू नो बड़े छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स. संदीप एक काम करो, पहले तो ना कोई भी वेबसाइट देखना बंद कर दो. ऑफिशियल डेटा जहाँ से आता है ना, मैं ऑफिशियल साइट पे जाके डेटा लेता हूँ, मैं एनएसडी से डेटा लेता हूँ, उसके बाद मैं एनएसडील पे जाके क्रॉस चेक करता हूँ एक बार कि भैया वही डेटा है कि नहीं है. मुझे किसी पे भरोसा नहीं, मुझे ऑफिशियल साइट ने डेटा दिया ना वो ठीक है, मैं रिलाय कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई और सोर्स नहीं है. तो इसके लिए जब भी डेटा लो तो जहाँ ऑफिशियल ऑथेंटिकेट सोर्स है, उसके अलावा हमारे पास है क्या डेटा का यार. अगर मुझे ऑप्शन चेन भी पकड़नी है तो मैं ऑप्शन चेन को भी है ना एक बार एनएसई की साइट से जाके वो मल्टीपल करना पड़ता है. पहले वो है ना क्वांटिटी दे देते, अभी वो लॉट्स डालते हैं तो उसको ऑफिस 50 करो ये करो. मैं ऑफिस मेरी जो दो वेबसाइट्स है, मतलब मेरी नहीं जिनकी है, मैं जाके क्रॉस चेक करता हूँ. क्यों क्रॉस चेक करता हूँ कि भैया 7:30 तुम 3 बजे कुछ डेटा दिखाओगे, मतलब 3:30 बजे कुछ डेटा दिखाओगे क्लोजिंग के टाइम पर. किसी ने परसों मुझे बोला था 25% ओआई ऐड हुआ है और 11% यहाँ पर ऐड हुआ है. मैंने कहा भाई रुक जा, 7:30 भाव कॉपी आएगी, भाव कॉपी से वेरीफाई करेंगे. लेट हो गई थी, बहुत लेट हो गई थी. अभी का कुछ मेरे हाथ देखो, जब वो पब्लिश करेगा तभी मैं डेटा देख सकता हूँ. रात के 11 बजे तक तो बैठ के been selling. FIIs are winding up their business at the moment, be it Wholesale, Singtel, Stand Chart, ho, Citibank, ho, you know, from every space, you know, they're trying to is 77.677. This is the new high. अब FII की फिगर जो डाल रहे हैं, you know, I recently came across an article in Economic Times and Money Control कि FII is coming back as an investor through P-notes. तो जो हमें फिगर पहले मिल रही थी कपल ऑफ मंथ्स बैक या अभी एक महीना पहले पे, वो प्योर FII से जो रजिस्टर्ड है इंडिया में एज एन FII, वो जो उनकी रिलेंटलेस सेलिंग और या ग्रॉस नेट सेलिंग हो रही थी वो एक नंबर, दैट इज अ नेट नंबर ऑफ FII 1 एंड FII 2, जो प्रॉमिसरी नोट्स वाला जो मार्केट वाला नंबर है. लेकिन वो वाला नंबर स्प्लिट उसका अवेलेबल is not available, मतलब स्प्लिट इज नॉट अवेलेबल, हाउ मच इज द इंडियन रजिस्टर्ड FII एंड हाउ मच इज एक्चुअली अ पी नोट. बिकॉज ये जो 1925 ऐसा नंबर आज आया फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नेट ऑफ ओल्ड FII एंड द न्यू प्रॉमिसरी नोट FII. तो थिंग्स आर चेंजिंग ऑन हेल्प इन असेसिंग द ट्रेंड कि एक्चुअली हो क्या रहा है. सॉरी सॉरी यू आर कॉन्ट्रा यू आर मेकिंग मेकिंग अ कॉन्ट्रा स्टेटमेंट. Yeah, I'll tell you one simple story.
बहुत सिंपल पकड़ना, फॉरगेट इंडिया, 0.5% मांग रहा है वो, कितना, क्योंकि रेट इंक्रीज होगा तो उसको वापस पैसा देना पड़ेगा, उसको बैलेंस शीट साइज रिड्यूस करनी है, से फॉर एग्जांपल 100 बिलियन की पर मंथ करनी है. Have you correct me if I'm wrong, because you have the data, I don't have exactly the data. तो अगर वो 100 बिलियन उसको चाहिए तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो बेचेगा जहां उसका पैसा लगा है. तो वो पैसा जो लेके आया था, जो which we call as bull market is always driven by liquidity. अब वो लिक्विडिटी नहीं रहेगा कोई भी मार्केट में, forget इंडियन मार्केट, ड्राइव हो जाएगा तो चलेगी कैसे गाड़ी. तो बस तो सिंपल है भैया, जहां से पैसा आया था, जहां से पैसा आया था, अगर आपके पिताजी आपको 10 रुपए खर्चे के देते थे, आपने लोगों से 100 रुपए की उधारी ले ली, 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिया कि भैया पिताजी तो मुझे पैसे देते रहेंगे, अब पिताजी ने बोल दिया बेटा वापस पैसा चाहिए मुझे, तब क्या बोलोगे, क्या हाँ पापा जा इन्वेस्ट किया वहां से वापस ले लेता हूँ, 100 इन्वेस्ट किया था तो 100 का कहीं 200 हो गया रहेगा, तो 200 में से 2 रुपया निकाल के आपको दे देता हूँ, 1 रुपया निकाल के आपको दे देता हूँ. सेम थिंग इज हैपनिंग, कोई नया चीज नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ और आखिरी बार नहीं हुआ है. एंड दीज थिंग्स ट्रस्ट मी, अगर आप जाके हिस्ट्री चेक करोगे, मैंने एक बहुत मतलब कुछ दिन पहले ट्वीट भी डाला था, ये जब क्यूई का स्क्वीज होता है ना, दैट इज वेरी गुड फॉर द मार्केट्स, एब्सोल्युटली गुड फॉर द मार्केट्स, क्योंकि जो फ्रॉथ मनी था ना, फ्रॉथ मनी निकल जाएगा, जो फ्रॉथ मनी किसी भी लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे थे वो पैसा मार्केट से निकल जाएगा. अब जो पैसा रहेगा ना वो एक्चुअल पैसा रहेगा. अभी उन्होंने 100 बिलियन बोल दिया, कल को हो सकता है फेड का चेयरमैन उठ के बोल दे, पावेल साहब आए सुबह कि भैया आज 100 नहीं, आज तो मुझे $200 बिलियन चाहिए, आई नीड $200 बिलियन टुमारो, देन वील सी आउटफ्लो ओनली. सो फॉरगेट दैट के नेक्स्ट 6 महीना भी है ना FII इंडिया में पैसा डालेगा, ये अपन गलत फहमी बैठे कि FII इंडिया में पैसा डालेगा. इसमें ऐसा ही जहाँ अगर आग घर में लगती है तो आदमी सबसे पहले बुझाने उधर ही जाता है, वो इंडिया में क्यों आएगा, आग लग रही है US में तो वो बुझाने तो पहले वहीं जाएगा ना, यहाँ पे जो उसने पानी में पैसा इन्वेस्ट किया है वो लेके जाएगा, वहाँ की आग बुझाएगा वो. ये सिंपल करेक्टरिस्टिक्स है सिंपल इन्वेस्टिंग का, कि जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे ही वो उनको वहाँ पे रिडेम्पशन करना ही पड़ेगा. सर हिमांशु रिडेम्पशन नहीं कर रहा भैया, उसको पैसा है ना जो उसने कैश लिया था वो कैश वापस देना है. अब वो कैश उसका हो सकता है उसने 100 रुपया लिया था और वो 100 का 200 हो गया, तो 100 का 200 हुआ तो 100 तो उसका प्रॉफिट हो गया ना, ये हम क्यों नहीं सोचते. जब मैं हमेशा बोलता हूँ भैया आप FII का इन्वेस्टमेंट आज से क्यों देखते हो, 91 से लेकर 2006 तक का डेटा किसी के पास नहीं है. अगर उसने रिलायंस में 100 रुपए में पैसा लगाया, जो रिलायंस 2500 ट्रेड कर रहा है, और लेट्स एक्सक्लूड ऑल बोनस ये वो, 100 का भी अगर 2500 हो रहा है तो आप सोचो ना उसने कितना पैसा बनाया है यार, कितना पैसा बनाया है. तो पैसा उसका राइट ही नहीं है कि वापस लेके जाए, और वो 100 का 2500 नहीं, और 100 का है ना कम से कम 10,000 या 20,000 हुआ रहेगा, तो वापस अपना पैसा ले रहा है. और अगर उसके पास 1,00,000 शेयर थे, उसने 500 शेयर भी बेच दिए, तो फिर FII का डेटा बड़ा आ गया. ये हमारा मिसकंसेप्शन है, हम डेटा को उस तरीके से देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, हमें डेटा उस तरीके से देखना है जैसे देखना चाहिए कि भैया उसने कब पैसा डाला था मार्केट में, उसने उन्होंने बहुत सारी अंटर पंटर कंपनियों में भी पैसा डाल रखा है जहां उनके पैसे जीरो हो गए, वो समझ में आता है. आप एक काम करो, आप एक डॉलेक्स इंडेक्स करके आता है, चलो मैं बहुत कम चीजें बताता हूँ पब्लिक में, डॉलेक्स 30 का इंडेक्स होता है, डॉलेक्स 30 का इंडेक्स देखना, ठीक है, ये जाके सर्च करना इन्वेस्टिंग पे या किसी पे. डॉलेक्स 30 का मतलब होता है कि सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज डिनोमिनेटेड इन डॉलर टर्म्स. आपको डॉलेक्स अमित यू आर नॉट ऑडिबल, अमित सर वॉइस गया. मैंने बहुत टाइम से चेक नहीं किया, मैं अभी देखना बंद कर दिया वो. तो डॉलेक्स 30 का ब्रेकआउट है, वो डॉलेक्स 30 का ब्रेकआउट है ना ऑलमोस्ट 15 साल बाद इंडिया मार्केट में आया. सेम आपको डॉलेक्स 100 मिलेगा, डॉलेक्स 200 मिलेगा, डॉलेक्स 500 मिलेगा. 100, 200, 500 का सिंपल मतलब है कि आपका BSE सेंसेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, BSE सेंसेक्स को ट्रैक कर रहे हैं.
वो कंपनी जाके देखो ना क्या क्या उनमें पैसा लगा होगा। अभी हमें कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगेन कमिंग बैक टू वन ऑफ माय ओल्ड ट्वीट्स आई हैड डन, क्योंकि किसी ने रिसर्च रिपोर्ट डाली, अपने को रिसर्च में किसी ने भेजा, लेट्स से इंडियन मार्केट कैप इज एट $3 trillion फॉर एग्जाम्पल, हाँ $3 trillion, उसमें आज भी 18% स्टेक, 18% एट द मिनिमम लेवल आई एम टेकिंग इज हेल्ड विथ FII। आप 18% को चलो राउंड फिगर 20 कर लेते, स्टिल 600 बिलियन राउंड फिगर व्यू था, उतना प्रॉफिट मैंने देख लिया तो मैं उस सेक्टर को स्विच करके दूसरे सेक्टर में चला जाऊं, और जो मेरा जो मैंने प्रॉफिट इस सेक्टर में बनाया था वो मंजू। इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है, उन्होंने जो पैसा डाला था वो किस लेवल पे डाला था। आज जो पैसा निकल के जा रहे हैं, उन्होंने हो सकता है $40 के लेवल पे पैसा डालो, वो आज $40 का $80 फॉर एग्जाम्पल 80 पकड़ते राउंड फिगर, हाँ मैं 77-78 वो कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी, तो डॉलर बढ़ गया तो ठीक है आप पैसा डबल दे रहे हो। अब लोग बोलते हैं कि सर 40 का $80 हो गया, तो भाई $80 हो गया तो क्या हुआ, तेरा स्टॉक का प्राइस देखना कितना हो गया, तो उसमें पैसा कितना कमा। रिलायंस क्या 100 का 200 ही हुआ है कि रिलायंस 100 का 2500 हो गया, ये तो हम बात करने आएंगे नहीं। तो ये हम डेटा, जब डेटा की जब बात करते ना तो हम डेटा फ्लॉट देखते, ये इतने साल से हम डेटा जब बनाते हैं ना, मेरे पास आज भी एक्सेल शीट में सारे डेटा होते हैं, मैं रोज शाम को बैठ के सिर्फ एक घंटा है ना पूरा डेटा बनाता हूँ, हर मंथ का डेटा बनाता हूँ कि भैया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पैसा वापस देना है उसके जो साहूकार थे, जो अपने हिंदी में बोलते हैं कि भैया जिस बनिए से कर्जा लेके आया था वो उस बनिए को वो कर्जा वापस देना है, या जिससे उधार लिया था उसको वापस देना है आज, तो वो क्या पैसा भी नहीं देने जाएगा, और पैसा देने जाएगा तो कहां से निकालेगा, जहां जहां उसने लगाया वहां से निकालेगा। अब हम ये देख के डर जाते, आप सिंपल सब पकड़ो 600 से उसने 10% माल बेचा है, बाकी किसके पास है, आज भी उसके पास ही है ना, जब उसको लगेगा मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो गई, मेरा इन्फ्लेशन ठीक हो गया, मेरा सब कुछ ठीक हो गया, उसको भी तो भाई वापस अपने इन्वेस्टर्स को अल्फा रिटर्न देना है। उसका इन्वेस्टर क्या बोलेगा, भैया यूएस में तो 2% का रिटर्न मिलता है, कहां सबसे बड़ा रिटर्न मिल रहा है, तो मार्केट ढूंढेंगे, चलो थाईलैंड चल लेते हैं, चलो नाइजीरिया का मार्केट चल लेते हैं, चलो एक काम करते हैं अफ्रीका का मार्केट चल लेते, चलो यूक्रेन रशिया का वॉर बंद हो गया तो यूक्रेन में चल के अपन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खड़े कर देते, तो अपना इकोनॉमी थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा, चलो आम एम्यूनिशन की कंपनी थी इनमें पैसा डालते क्योंकि अब सबको ये वेपन्स खरीदने, तो समय के साथ साथ सब चीजें बदलती रहेगी। टेक्नोलॉजी अपनी जगह, देश को बचाना अपनी जगह हो गया, तो समय के साथ साथ तो अपने को देखना पड़ेगा कहां वो पैसा डाल रहे और क्यों डाल रहे हैं। ये वॉर है ना, वॉर इसके लिए नहीं कि रशिया को यूक्रेन से अलग करना है, यूक्रेन को रशिया से अलग करना है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको अपने वेपन्स बेचने जो खराब हो रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, उनके वेपन्स हो रहे हैं खराब। थैंक यू, थैंक यू अमित। अब प्रीति एंड एक मिनट चंदन भाई, यस हमेशा मेहमान भाई, मैं यहाँ बोलूंगा अमित भाई, आपने जो डेटा बोला ना, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पॉइंट रेस किया अच्छे है, बट इसमें एक पॉइंट आप मिस कर गए कि शायद आप बोलना बोल गए, जो FII जो सेल कर रहे हैं ना, इस सेलिंग में आपने एक चीज नोटिस करनी चाहिए अपने को, हम भी करते हैं और आप भी करते होंगे, FII के पास उसने 100 पे इन्वेस्ट किया या 150 इन्वेस्ट किया, बट उसको कंटिन्यूसली डिविडेंड मिलता रहा, उसको प्रॉफिट होता रहा कंटिन्यूसली, वो प्रॉफिट लेने के बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा डबल होने के बाद उसके बाद भी इतना एग्रेसिवली बेच रहा है ना, तो कुछ तो रीज़न होगा। FII मेरे से आपसे या हम जितने लोग यहाँ पे हैं वो हम सबसे अच्छा सोचते हैं, उनके पास हम सबसे अच्छा अच्छा विज़न है, अगर वो उसके बाद भी बेच रहे हैं जिनके जिन अभी रिलायंस में इन्वेस्ट किया होगा उसने या XYZ इन्फोसिस TCS जिसमें इन्वेस्ट किया होगा, उनको पिछले 20 साल में लगातार डिविडेंड मिलता रह गया, उनको इतना डिविडेंड मिला है कि उनका कॉस्ट फ्री हो चुका है ऑलरेडी, उनका डॉलर अप्रिशिएट हो चुका है ऑलरेडी, मतलब इतना बन गया है कि उनका पैसा जो डिविडेंड और वो डॉलर का टर्म्स में देखेंगे ना, उनका पैसा मल्टीफोल्ड 2-5-10 गुना नहीं, शेयर के पास छोड़ने के बाद जो डिविडेंड मिला है और जो डॉलर का प्राइस अप्रिशिएट हुआ है उसमें उनको मल्टीफोल्ड रिटर्न मिल चुका है, उसके बाद भी दे आर सेलिंग एग्रेसिवली, मतलब बेचे जा रहे हैं। इसका मतलब जो मुझे समझ में आता है, जितना छोटी सी नॉलेज मेरी है, कि मार्केट जो चलता है लिक्विडिटी से। आज भी हम लोग आप और हम सब लोग इंडेक्स की बातें करते हैं कि इंडेक्स 18,000 का 16,000 हुआ, बट हम स्टॉक्स की बातें भूल जाते हैं कि स्टॉक्स जो थे जो स्टॉक्स
200 के 400 20 के 50 हो गए थे, 50 के 100 हो गए थे, वो स्टॉक वापस से 200 के 150 हो गया, 200 का 100 हो गया, 100 वाला 20 हो गया, और 500 वाला 300 हो गया, 300 वाला 200 हो गया। वो बेच रहे हैं और बेचने के पीछे कुछ रीजन होता है, वो बेचे जा रहे हैं, वो आज भी बेच के गए हैं, वो कल भी बेच के गए, वो रोज बेच रहे हैं, उनको हर भाव पे अपना माल बेचना है, तो या तो उनके पास कुछ चंदन भाई इसमें नहीं, इसमें अमित ने जो पहले बोला ना ये वाला कि उनको पैसा तो घर पे कभी ना कभी लेके जाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, बट साथ में उनको उनको उनका पैसा घर पे मिल चुका है, उनको डिविडेंड इतना मिल गया है कि उनका पैसा घर पे मिल चुका है, उनको अगर वो 10% अपना बेचा उन्होंने, अगर वो अपना 1% बेचते ना तो अपना जो भी इन्वेस्टर थे उनका पैसा दे पाते और प्रॉफिट के साथ दे पाते। चंदन मुझे एक चीज बता, एक चीज बता, एफआई का हम डेटा देखते हैं ना, तो हम सिर्फ एक साइज देखते हैं कि नेट फिगर क्या आया, कभी हमने देखा वो बाय क्या करके गया, वो हमारे पास डेटा नहीं आता है, वो सेल करके गया उसका डेटा नहीं आता, हमारे पास आता नेट फिगर, तो बाय क्यों करके गया जब उसको बेचना ही है। हो सकता है वो ऐसे सेक्टर्स वापस खरीद रहा हो जहां उसने ऊपर में माल बेच दिया हो, वो भी तो ट्रेडर्स है ना, उनके पास भी हेज फंड्स हैं, जो हेज फंड कोई नीचे में, फॉर एग्जाम्पल उसने इन्फोसिस 1800 में बेचा रहेगा, 1700 में बेचा रहेगा, नीचे 1300 आया। अमित सर आपका आवाज गया, अमित अग्री, अमित भाई जो आप बोल रहे हो वो सही बात बोल रहे हो कि हाँ बेचा बेच के डेटा में है ना, मार खा जाते नहीं, हम मार नहीं खाते, थोड़ा सा इंटरप्रेशन में डेटा में फर्क आता है कि वो बेच रहे हैं ना, तो वो बेच रहे हैं, एक होता है बेचना और खरीदना, एक होता है लगातार बेचे जाना, वो अक्टूबर से लेके और अब तक लगातार बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। इंडेक्स तो रुका हुआ है, इंडेक्स तो सिर्फ 2000 पॉइंट गिरा है, निफ्टी में कुछ क्रैश तो आया नहीं है, 2000 पॉइंट 8000 के भाव पे कुछ भी नहीं होता, बट स्टॉक के पास देखेंगे ना, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे अच्छे शेयर, आप नाम लो और जो रिटेल के फेवरेट शेयर होते हैं ना, वो सारे जो रिटेल फेवरेट शेयर हैं वो 50 से 80% तक डाउन हो चुके हैं ऑलरेडी पिछले 8 महीने में। चंदन तो, भाई आज वाला टॉपिक तो FIDI वाला नहीं है, तो अपन उस टॉपिक पे ट्रेंड को अपन कंटिन्यू करते हैं, तो इस पे कभी भाई एक छोटा सा आंसर देना चाह रहा था चंदन भाई को, अगर आप बोले तो इसमें बताइए ना रणवीर जी। चंदन भाई आपको मैं दो सिर्फ फैक्ट बताता हूँ। पहला फैक्ट, अगर आप इंडियन इक्विटी को जब डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो हमने वर्ल्ड मार्केट को, चाहे हम काफ़ी बढ़े हों पिछले डेकेड में, लेकिन हमने अंडर परफॉर्म किया है बहुत सारे मार्केट्स को, स्पेशली US एंड चाइना। ठीक है, इंडियन टर्म्स में हम बढ़े होंगे, रिटर्न मिले हैं, लेकिन डॉलर टर्म्स में नहीं मिले। सेकेंडली चंदन भाई आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो अभी इन्फ्यूजन आया था 2020 के बाद खासकर, उसमें एक पिक्युलियर थिंग थी, बहुत लोगों को US में या बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे फंड्स को इतना एक्स्ट्रा पैसा मिला एट सच अ लोअर रेट, जो कि आज उनको या अक्टूबर नवंबर के आसपास से उनको लगने लगा कि हमें वापस करना है। सो जो जहाँ पे जो उन्होंने लगाया था, जो कमाया था चाहे नहीं कमाया था, आज उनको वापस करना पड़ेगा। अगर आपको 100 रुपये मिले हैं 1% के ऊपर, आपको 101 वापस करना है, उन्हें ये मान लिया, स्क्वीज आ रहे हैं, वो मार्केट से उनको निकालना है। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया मार्केट की वो लोग पैसा निकाल रहे हैं, वर्ल्ड ओवर मार्केट सबसे निकल रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, इंडिया मार्केट से प्रोपोर्शनली थोड़ा कम ही निकला है हम लोग, इसीलिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2022 में खासकर हम लोग बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से हैं एट द मोमेंट, हम नीचे नहीं हैं, हमारा जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल इज ऑन अ बेटर साइड, टॉप 3 में आते हैं हम वर्ल्ड के सेम पे। रवि जी भाई बस यही बात है कि हम जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, वो आप और हम सब लोग देख रहे हैं इंडेक्स वाइज, जब स्टॉक वाइज आएंगे ना तो शायद हम लोग अंडर। मैं आपकी बात से बिल्कुल सही है सर, मैं एग्री करता हूं, सेक्टर स्पेसिफिक बहुत कुछ होता है, लास्ट 10 डेज में कोई भी एक सेक्टर या दो सेक्टर पकड़ के उसको बैंड बजा दी जाती है। बट मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ FII बेच रहे हैं, उसमें आप देखिए ना, खरीद बेच तो DII भी कर रहे हैं ना, रिटेल्स भी कर रहे हैं। अगर आप लास्ट 2 डेज की देखेंगे, स्पेसिफिकली लास्ट 2 डेज का मार्केट ऊपर गया है, DII ने FII से ज्यादा यू नो बाय करा है, जितना DII ने सेल किया है उससे हमने 200-300 करोड़ एटलीस्ट DII ने ज्यादा बाय किया है, तो बाकी किसने बेचा, बाकी रिटेल ने भी तो बेचा ना, रिटेल भी स्मार्ट एक्ट कर रहा है सर, ऐसा नहीं है कि रिटेल नहीं कर रहा हो, रिटेल ने भी निकाला है।
उसको बाउंस मिला, जो जहां पे फंसे हुए थे वो वहां से निकल भी रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है. सो बट वो डेटा है, डेटा कैन बी इंटरप्रेटेड मेनी वेज, ये होता है. बट लेट्स कंटिन्यू सर. बाकी अमोल सर, वी आर गोइंग 12 बज रहे हैं तो विल यस अनमोल सर को पहले लेते हैं, देन प्रीति सोवित है, तो एक बार व्यूज देते हैं, देन विल टेक अप द क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. दो दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट स्पेस पे ही कि व्हाट इज योर व्यू अबाउट पीएसयू बैंक. तो वो टाइम पे बहुत अच्छा बोला गया था कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक में मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है बोल के, शायद अमित सर ने बोला था, और वो नेक्स्ट दिन बहुत जबरदस्त भाग गया था. तो भी सेम है, मेरे को एक ऑयल एंड ऑयल सेक्टर पे पूछने का था. तो अभी आज जो न्यूज आया है समथिंग अबाउट द टैक्स कुछ लगाने का सोच रही है जो गवर्नमेंट, तो आज ओएनजीसी काफी गिरा था. सो व्हाट योर व्यूज ऑन ओएनजीसी एंड ऑयल सेक्टर? सर वो पहले भी एक सेकेंड, शायद मैं भी था और रवि भी था. रवि भी पीएसयू में बहुत बुलिश था. आपने मुझे डीएम भी किया रहेगा क्योंकि मैं ट्रैक ही नहीं करता, जो मैं ट्रैक नहीं करता. मैं तो कुछ चीजें हैं जो मैं रोज शाम को बैठ के ट्रैक करता हूँ. अब जो मेरे स्टॉक स्पेसिफिक चीजें रहेंगी, मैं 15 से 20 स्टॉक ट्रैक करता हूँ. उसके अलावा कुछ भी आएगा मैं बोल देता हूँ. जरूरी नहीं मैं हर स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों मैं ट्रेड नहीं करता. मेरा लिमिटेशन से ट्रेड करने का, भैया अपने को टॉप 10-15 में रहना है तो वो रहते. सेम टाइम रवि भी व्यू देखे गया था. रवि ने भी बोला था कि उसको पीएसयू बैंक और कुछ अच्छे लग रहे थे. रवि आ गया क्या? गवर्नमेंट इज एग्रेसिवली ट्राइंग टू कर्ब इन्फ्लेशन, और जो ऐसे सेक्टर्स होंगे जहाँ पे इन्फ्लेशन डायरेक्टली इफेक्ट करती है, उसमें कुछ ना कुछ आपको बहुत ज्यादा चेंजेस आने में लगेंगे. जैसे वीट का था या जो अभी ऑयल का है, तो वो थोड़ा सा आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा क्या चल रहा है. इन्फ्लेशन को देखिए, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हैंड इन हैंड थोड़ा आगे रहना चाहेगी वर्ल्ड से, और जो इंटरेस्ट रेट भी थी वो पहले उन्होंने बढ़ा दी थी, और अभी आज या कल जो भी स्टेटमेंट आया था कि हम जून में भी देख रहे हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट और ना बढ़े, पर उस पर गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली प्ले कर रही है और सेक्टर्स ढूंढ रही है कि जिन सेक्टर्स पर वो कुछ ना कुछ ड्यूटीज लगा के, टैक्स लगा के या जो भी है, वो इन्फ्लेशन को कर्व कर दे. तो वो भी आपको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा. और अगर आप एज अ प्रोस्पेक्टिव ट्रेडर देख रहे हैं तो उन सेक्टर से आपको थोड़ा सा अभी अवॉइड करना पड़ेगा. बट एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट द मंथली चार्ट, आई कैन सी अ गोल्डन क्रॉसओवर. आई एम नॉट अ टेक्निकल, आई थिंक रणविजय और किसमें गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है आपको? ओएनजीसी मंथली चार्ट. तो ओएनजीसी तो बुलिश ही, हम तो नीचे से लेवल से ओएनजीसी एनटीपीसी सबको बुलिश ही बोल रहे हैं. अगर आप मंथली चार्ट पे ट्रेड कर सकते हो तो इन्वेस्टर के बैठ जाओ, जिस दिन वो मंथली क्रॉसओवर टूट जाए उस दिन बेच देना. सो इट इज नाउ इट इज क्रॉसिंग एंड मेकिंग अ गोल्डन क्रॉसओवर. अमोल सर, आप ओएनजीसी में ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं? I'm looking as a point of view of trader. Sir, trader में monthly chart को मतलब as in a very long term swing, because monthly chart अगर आप देख रहे हैं तो monthly में, because I also track monthly also, but for my investment, not for my trading, not for say 4-5 months का thing. रवि भाई भी बोलेंगे. Secondly, sir देखिए आपको मैं सिर्फ एक simple रणवीर जी एक second रुक. अगर आप monthly chart देख के trading करने जा रहे हैं उल्टा डे पर या स्विंग ट्रेडिंग पर, ये करना बंद कर दो. मंथली चार्ट अगर आपको दिख रहा है, अगर मंथली चार्ट पे अगर आपको क्रॉसओवर दिखता है तो वो टाइम फ्रेम ही आपका गलत है. अगर कोई भी स्टॉक 6% डाउन है आज भी, तो उसमें ट्रेडिंग की मतलब आप ट्रेड कैसे करें? आप 6% डाउन अगर स्टॉक है, ओएनजीसी शायद 5.5-6% डाउन था,
तो उसमें ट्रेडिंग का व्यू बनेगा ही कैसे? आपका कुछ स्टॉप लॉस होगा या आपका कोई डिफाइन लेवल होगा, उसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे? नो नो, आई एम नॉट टेकन एनी पोजीशन सर। देन मैं आपको बोलता हूँ, एक एक सिंपल सी बात समझिए, पीएसयू जब हम बोलते हैं तो गवर्नमेंट प्रमोटर है, प्रमोटर अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, प्रमोटर अपने बेनिफिट को देखते हैं। आप एक बात समझिए, आज क्या आया था कि वो उनसे एक्स्ट्रा उस पर टैक्स ले लेंगे या कुछ एक्स्ट्रा मनी ले लेंगे, वो किस लिए ले पाएंगे? इसलिए ले पाएंगे कि उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या उनके पास कुछ प्रॉफिट आया, तभी तो उनसे एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट कर सकता है कोई। सो एज अ सेक्टर उन्होंने काफ़ी अच्छा उनके पास परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट एक हाथ से आपको 8-9 रुपये 10 रुपये दे रही है अगर फ्यूल में, दूसरी तरफ से वो अपने रेवेन्यूज को कलेक्ट भी तो करना चाहेगी, इसलिए करा है। रिजल्ट वाइज इट इज़ ओके, बट ऑफ कोर्स एक बात आप नोट करिए, ONGC थोड़ा नीचे गया है, ONGC का अभी शायद से QIP भी आया था उससे भी थोड़ा सा नीचे गया है, सो इट इज़ अ कंसर्निंग थिंग फॉर सम टाइम, देखना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा सा इसको रिवर्स करता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है और इस चीज़ को रिवर्स करता है, उसका रिजल्ट भी था आई थिंक आज या कल में उसका रिजल्ट भी है ओवर द वीकेंड, सो ये सब पॉइंट्स के बाद रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। इट इज़ ओनली गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ द न्यूज़ that government might be charging more taxes or say some amount being taken out of these companies. ONGC में सबसे ज़्यादा आया होगा, इसलिए उससे निकला है। बाकी आपने परफेक्ट बोला, एक एक हाथ से दिया है गवर्नमेंट ने जो भी, तो वो एक हाथ से लेगी भी वापस, वो जो बेनिफिट जनता को दिए हैं तो कहीं ना कहीं से तो वापस लेना ही पड़ेगा ना। परफेक्ट पॉइंट है रंजन भाई। यस प्रीति, you are here from long, Pritu, you are here, Devi ji, ki baat karte fir aage ki baat karenge, nifty bank nifty ka trend aapke hisab se? I think Nifty is weak comparatively to Bank Nifty. जब तक 16400 break नहीं होता, 16200 के ऊपर is still okay. But I think up move के लिए 16400 cross होना जरूरी है. For me, Bank Nifty is an important index to pull Nifty, which has already moved a lot. I think दो दिन में ही 1100-1200 point का move दे दिया, and it is quite supportive, but then Nifty has to act very very strongly agar ek acha move chahiye upside to. So until unless Nifty is above 16400 thoda cautious rehna chahiye. However madam discussion madam question aap se hai, trend kya hai? Short term ki trend ki baat karte hain, but say for next 2-3 days max. अभी 2-3 दिन से तो अच्छा मूव है, तो आई थिंक 2-3 डेज थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बहुत बड़ा मूव अभी फिलहाल, तो आई थिंक अभी से लेके नेक्स्ट एक्सपायरी तक भी बोलते हैं, तो आई थिंक निफ्टी अगर बोलूँ तो 16000 से 16400 का रेंज है, और बैंक निफ्टी अगर बोलूँ तो 34900 से 35600 के बीच का कुछ रेंज है। सो दिस इज द रेंज आई थिंक दोनों इंडेक्सेस में। बट अमित भैया, एक चीज में आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू इंटरफेयर आल्सो, सिंस बहुत अच्छा टॉपिक है करंट ट्रेंड इन इक्विटीज। इंडेक्स की बात तो खैर अभी निकल गई, बट देन आई थिंक एक अगर एक छोटा डिस्कशन या एक ऐसा छोटा लेमैन्स टर्म में, बहुत लोगों को आई थिंक ट्रेंड क्या होता है वो भी नहीं पता है, सो आई थिंक अगर वो एक डिस्कशन कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज लोगों को सिर्फ ये पता होता है देयर आर ओनली थ्री ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, साइड ट्रेंड। परफेक्टली परफेक्टली, गो अहेड, आई एम देयर विद यू, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। नो नो नो, आप I was thinking कि आप कुछ बोले उस उसमें प्रीति probably joined late, trend simple, अगर आप technical books पढ़ोगे ना, technical किसी कोई भी book पढ़ोगे उसमें trend decide होता है, not about the trend what is happening, trend only get decided on what time frame you are checking the charts. आप 5 मिनट का chart देख रहे हो, 1 मिनट का chart देख रहे हो, उनको
फॉर लॉन्ग, जैसे आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, यू मे बी एबल टू प्रेडिक्ट इट प्रोबब्ली, यू मे बी एबल टू राइट द ट्रेंड एज़ वेल. आई डोंट प्रेडिक्ट क्योंकि मेरा इंडिकेटर मुझे ना बोलेगा ना, इंडिकेटर अगर ओवरबॉट में चला जाएगा ना, मैं ना ट्रेड लूंगा, मैं साइड में बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे कल भी ओवरबॉट दिख रहा था, आज भी मूव मुझसे मिस होते, तो उसमें मुझे कोई नया चीज नहीं है जिंदगी में कि मैंने पहली बार कोई मूव मिस किया हो ना किया हो, कल का मूव राइट किया था, आज का नहीं किया, तो सिंपल है मेरे लिए, मुझे कोई फर्क ना पड़ता क्योंकि मुझे ओवरबॉट. आपको कैसे पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या आ सकता है, वो डिस्कशन. आई यूज इंडिकेटर्स कॉल्ड एज RSI, कॉल्ड एज बॉलिंजर बैंड्स. तो बॉलिंजर में भी मैं 10 बार लोगों को समझा चुका हूँ, भैया अपर बॉलिंजर पर अगर आ गया और वहां से मुझे डाइवर्जेंस दिख रहा है अपर बॉलिंजर में, सेम टाइम RSI में मुझे डाइवर्जेंस दिख रहा है, भैया मैं वहां जाके ट्रेड ना लूंगा, मैं इंतजार करूंगा, ना आएगा ना चलेगा, 16600 चला जाएगा, 16600 गोस, आई एम नॉट इन टू ट्रेड. सर आवाज, अमित सर आवाज, प्रीति सिंपल तो सबसे क्या है, बेसिक भी हायर हाई हायर लो, ट्रू अप ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो डाउन ट्रेंड, बेसिक तो यही है ना, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, असल तो थ्योरी तो यही है. नहीं दैट्स ट्रू, नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग एक लेमैन्स टर्म में, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना यू नो अपसाइड देखने को मिला, सो अभी यू नो हाउ विल अभी 200 पॉइंट नीचे जाएगा, एवरीबॉडी विल बी बेरिश, अचानक से करेक्शन आ गया मार्केट में, यू नो, सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड एनालिसिस अ पर्सन हु इज इन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, शॉर्ट मूव देख रहा है, तो वो कैसे ट्रेंड एनालाइज. मजा भी नहीं आता सच्ची बोलू ना, तो वो कल जैसे मार्केट चल रहा था, बीच में अभी आया है, आपका पिछले 2 मिनट से आवाज नहीं था, अभी आया है. सो आई लाइक टू ऐड हियर वन थिंग, बेसिकली उसमें पीटी क्या बोलना चाह रही है, अगर आप एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, किस टाइम फ्रेम पे. हिमांशु भाई ऐसा नहीं, प्रीति आप लॉन्ग लेके गए हो शॉर्ट लेके गए हो ये बताओ. नहीं, आई हैवंट टेकन कोई ओवरनाइट पोजीशन, नहीं, आई डोंट हैव एनी ओवरनाइट. नो, सच्चाई भी है ना, अपन ट्रेडर लोग हैं. She is asking for a benefit for listeners जो सुन रहे हैं ना उनके लिए. ये नहीं, पहले मैं अपना benefit देखा ना मैंने, कि ये long लगेगा short लगेगा, बोलते हैं neutral. I have just Marico का futures, nothing else. I don't have anything else. Okay, thank you. Yes. No, so for since I don't think so, शायद कोई मेरी बात भी समझ पा रहा, तो I'll tell what I was trying to you know get answer from. So मेरे हिसाब से जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक basics बोलना चाहूँगी, that you know you when we are talking about the trends, basically आप अपना trend को ride करने का या trade करने का basic strategies बिठा लीजिए. So you know just an attempt to ride the candles, you know, or extract कि कैसे ट्रेंड वर्कआउट कर रहा है, आई थिंक दैट वुड नॉट बी इजी फॉर यू टू राइड. सो 2-3 टेक्नोलॉजीज हैं जो आप इनहेरेंट करके आई थिंक यू कैन गो अहेड एंड ट्रेड. फर्स्ट इज मूविंग एवरेजेस, जो सभी यूज करते हैं. आई थिंक अमित भैया ने बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, आई वॉज लिसनिंग टू हिम. सो मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट करना है वो सीख सकते हैं. सेकेंड इज जो भी आप मोमेंटम इंडिकेटर यूज करते हैं, RSI कर सकते हैं, स्टोकास्टिक कर सकते हैं, जो भी. एंड देन आई थिंक जो अभी हिमांशु ने कहा हायर हाई लोअर लो, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. हाउएवर वेन एवर यू आर राइडिंग द ट्रेंड, वन थिंग इज वेरी एडवाइजेबल इज दैट it is not important that the entire history will get repeated. I think आप पुराना चार्ट देखेंगे तो वहां पे भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है ना, अचानक से देयर इज अ ब्रेकडाउन. सो द दैट हैपेंस मे बी बिकॉज ऑफ एनी गवर्नमेंट नॉर्म्स और एनी यू नो द रिजल्ट्स कमिंग इन और एनी अदर XYZ रीजन दैट जैसे अभी जियोपॉलिटिकल चीजें चल रही थी. सो वेन एवर यू आर राइडिंग अ ट्रेंड, इंश्योर दैट यू आर एडिंग ऑन दीज थ्री थिंग्स, द काइंड ऑफ मूविंग एवरेजेस और जो भी मोमेंटम इंडिकेटर यूज करते हैं और आपका जो भी बेसिक्स आप चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं वो आप. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम फ्रेम, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन यू नो योर स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस, इट इज इंट्राडे और इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई सेड दैट हिस्ट्री वुड नॉट बी रिपीटेड एवरी टाइम, तो अपना स्टॉप लॉस इन प्लेस रखें. एंड don't change your view in another 2 days of time or 5 days of time.
instead you know, try to stick to your basics that you have learned from your chart, because बार बार view change करने से आप खुद confuse होंगे, और जो आपने time दिया है अपने खुद के study को ये trend read करने के लिए या chart पे put on करने के लिए, that will be an entire waste. However, you have a very concrete specific note down on you know, on your diary or maybe on Excel, that what amount of time that you're looking in for trade first, and second, how long this direction you know, you will be in case you know, the stop loss gets triggered. So aapka span of time pehla bahut important hai, dusra it has to be very well jotted down, in case if you're a newbie into this, you know, written somewhere on your diary or on Excel, ki aap kaise wo trend ko ride karne wale, अपना स्ट्रैटेजी अटेम्प्ट करने के पहले उसको कंक्लूड करके, और अपने जो भी इंडिकेटर्स है या जो भी आपने ट्रेंड के लिए अपने चार्ट ड्रॉ किए वो कंबाइन करके अच्छे से आई थिंक वेरीफाई करके फिर एग्जीक्यूट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो द एंटायर स्पेस दैट अमित भैया इज conducting here is more of, you know, imparting knowledge to people. So, I think बहुत लोग यहाँ से सिर्फ सुन के जाते हैं और वो execute नहीं कर रहे हैं. So, either it has been, you know, Chandan giving the entire trading ideas, we giving the entire view on markets. But then, आपका, I think, एक basic homework होना चाहिए. जब हम trend की बात कर रहे हैं, तो आपका basic execution level लगाइए उसके ऊपर. Come with your, you know, combination of things that you can come up with. दो तीन चीजें तो आई थिंक यू कैन जस्ट विदड्रॉ फ्रॉम द एंटायर कॉन्वर्जेशन दैट वी जस्ट हैड, एंड देन उसको आप प्लॉट करिए अपने खुद के एक एक बेसिक सेटअप पे, और फिर ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. गलतियां होंगी फॉर श्योर, बट देन उसमें क्या अमेंडमेंट करना है मे बी आपको नेक्स्ट टाइम पता चल जाएगा, एंड इधर यू कैन डीएम टू यू नो अमित भैया और चंदन और मे बी मी एज वेल इन केस इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प, सो दैट इतना बात करना भी सफल होगा आई थिंक. सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्राई टू प्रीति उसमें एक चीज जोड़ दो, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ जब भी हम स्पेस करें ना, एक पेन पेपर लेके बैठा करो, हम जो बोलते हैं ना सब लिख के दो. सिर्फ एक मुझे पता है रवि लिख के जाता है, वो रवि मुझे है ना रोज रात को पॉइंट भेजता है, वो बंदा इतनी मेहनत करता है, वो खुद इतने अच्छे चार्ट जानता है, वो मुझे कभी भेजता है ना, तुझे लगता है तुझे मैं सिंपल उसको कभी डीएम पे मैसेज डालता हूँ, तुझे मैसेज करने की भी जरूरत होती है, तू खुद इतना अच्छा जानता है, बोलता है नहीं मैं सीखता हूँ. सो एज अ बी अ लर्नर इन दिस मार्केट, हमें भी मार्केट नहीं आता है, आपको लगता है हम एक्सपर्ट है मार्केट के, भैया हम भी आपके जैसे ही ट्रेडर है, हम भी वही गलतियां करते हैं, हम भी जलील होते हैं, जलील पैसा अकाउंट से जाता है, जलील नहीं होते, पैसा अकाउंट से जाता है, तो पैसा अकाउंट से जाता है ना तब बुरा लगता है, अकाउंट में 1000 रुपए भी आ जाएगा ना तो खुशी होती है, हाँ भाई इमोशन इमोशन हमारे साथ भी है, तो ऐसे नहीं कि इमोशन, बट वो इमोशन है ना भी खत्म हो गए भाई, रोज का काम धंधा है, हम पकड़ लेते कि हम चाय वाले हैं पान वाले हैं, आज धंधा ना चला तो क्या हुआ, कल तो चलेगा, एक हफ्ता ना चला तो क्या हुआ, 10 दिन बाद चलेगा. तो आप पॉइंट नोट्स करके जाओ, जो आपको जो अच्छा लगे ना उस चीज को फॉलो करो, हम नहीं बोलते हम सब में सबसे अच्छे हैं, हमने कभी नहीं बोला कि मैं अच्छा हूं या हिमांशु अच्छा है या चंदन अच्छा है या प्रीति अच्छी है या रवि अच्छा है, हम कभी किसी को नहीं बोलते, हम बोलते भैया जो हमारा व्यू हम दे देते हैं, पैसा कमा लो तो उसका 10% ओवरऑल अगर कमा लो 10% जाके कुछ चैरिटी कर देना, हम तो कुछ नहीं पैसा भी नहीं देते ना. बहुत बेसिक से आप लोग बताते हैं, और आज आपने वो जो मूविंग एवरेज का पूरा प्लॉटिंग समझाया दैट वाज आल्सो वेरी ऑसम. तो मेरा ये कहना है अगर इतनी रात तक जग के सुन ही रहे हैं और अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर रिकॉर्डिंग इट ओवर योर फोन और वट एवर यू आर डूइंग, इसको मतलब एटलीस्ट एनालाइज करके एग्जीक्यूट तो करो, तो मतलब होगा कुछ इतना सुनने का, अदरवाइज डजंट मेक सेंस. ओनली आप ये सारी चीजें सुन रहे हैं, साल का एक्सपीरियंस है ना, कभी दिल में कुछ अच्छा लगता है ना तो अपन बोल देते, वरना चंदन ने मुझे पिछली बार बोला था सर हम क्यों सब चीज फ्री में बताएं, अरे चंदन छोड़ देना, पब्लिक अपने को रात को सुनती है ना, तो हमारा फर्ज बनता है अपनी सोसाइटी के पीछे, हमारी सोसाइटी कौन सी ट्रेडर की, जहां ना कोई जात है ना कोई धर्म है ना कुछ है, हमारा धर्म एक ही है पैसा कमाना, और हमारा धर्म का उल्टा चीज एक ही है पैसा कमाना, हम जो कोशिश कर सकते हैं अपने पास से, इसके लिए तुम सब लोग जुड़े हो ना, इसके लिए सब लोग कुछ करके मेहनत आपके लिए करके आते हैं,
कोई मुझे मैसेज कुछ उल्टा करता है, कोई मैसेज कुछ अच्छे करते हैं, तो मुझे कोई इमोशन से फर्क भी नहीं पड़ता। हमने सोचा हमें करना है, हम करके आएंगे। हमने जो सोच लिया करना है, रोज करना है, रोज करके आएंगे। अच्छा लगे बुरा लगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा पार्क बना हुआ है और यू हैव गॉट अ फ्री एंट्री, तो रैंडम वॉक करने की जगह अच्छा ड्रिल करके जाओ ना, एक्सरसाइज सेहत बनाकर। सो प्रोबब्ली यू लर्न समथिंग, दिस व्हाट आई वांटेड टू से। रणवीर जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, उसमें एग्जीक्यूशन भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ही सीखना पड़ेगा कि आप मतलब आप यू सब ले लेंगे पर एग्जीक्यूशन एटलीस्ट हिमांशु मेरा कहना है एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, वो एकदम बेसिक से स्टार्ट तो करें, तो शायद कुछ कुछ तो प्लॉटिंग करें। लाइक जैसे अभी 20 एमए की बात चल रही थी, सॉरी 20 मूविंग एवरेज की बात चल रही थी, तो 20 मूविंग एवरेज लगा के एग्जीक्यूट ना करें, एटलीस्ट एक हफ्ता वॉच करें, ट्राई करें उसको एनालाइज करने का कैसे वर्क करता है, फिर एक हफ्ते बाद एटलीस्ट एक लॉट से ट्राई तो करें करने का। आई थिंक बैंक निफ्टी 25 का लॉट, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कितना ही बड़ा स्टॉप लॉस चला जाएगा। सो दे कैन ट्राई इट फ्रॉम देयर ओन एटलीस्ट। और कोई भी मतलब जैसे प्रीति ने बोला सबसे ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट अगर ट्रेड करने के लिए आपका है तो वो बैंक निफ्टी है, उसमें आप जरूर ट्राई कीजिए अपने लेवल्स फॉलो। ना भाई ना 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 ना, सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी जो कम वोलेटाइल है। बैंक निफ्टी में से 12 स्टॉक है, निफ्टी में 50 स्टॉक है, तो निफ्टी ज्यादा प्रॉपर काम करता है। बैंक निफ्टी अपने हिसाब से चलता है, जो मर्जी होती है वो करता है। मेरे लिए ब्यूटीफुली बैंक निफ्टी काम करता है, तो मैं उसको तो मैं भी मैं मुझे तो पसंद ही बैंक निफ्टी है। मैं तो निफ्टी घुस जाता हूँ कि भैया 40 पॉइंट मिल जाएगा, 50 पॉइंट मिल जाएगा, और मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है। आई हेट ट्रेडिंग इंडेक्सेस। सर मैं एक टॉपिक से थोड़ा सा चेंज करें, सोवित सर है, रवि भी है, हमको उनके भी व्यू लेने हैं और कुछ रिक्वेस्ट भी हैं सर। रणवीर भाई कंटिन्यू कीजिए आप। सोवित योर व्यूज अबाउट ट्रेंड्स। हाँ अमित भाई बोलो, आपको क्या बोलूंगा मैं, मुझे हक ही नहीं बनता आपको बोलने का। सोवित भाई ट्रेंड पे ही बात चल रही है। हाँ तो वो अच्छा टॉपिक निकाला प्रीति ने, बहुत मुझे बहुत खुशी है कि किसी ने तो ये टॉपिक निकाला। ठीक है तो मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ इस पर। मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इस पर, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड इंडिकेटर्स है, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, मुझे बहुत पसंद है इस पर काम करना। तो मैंने करीब करीब 10 से 15 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, या इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलूँगा, एक टूल्स बोल सकता हूँ जिससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है तो वो आइडेंटिफाई किए थे और उस पर मैंने बैक टेस्ट किए हुए सारे, और मैंने ये 20 साल के डेटा पे बैक टेस्ट किया है, 2000 स्टॉक्स पे बैक टेस्ट किया है, एनएससी के 2000 स्टॉक्स जिसमें जो मर गए स्टॉक्स वो भी हैं। ठीक है और मैंने इसको ब्रोकरेज के साथ एडजस्ट किया है, लिक्विडिटी के साथ उसको टेस्ट किया है, और जो सर्किट्स लग जाते हैं स्टॉक्स में वो सबको एडजस्ट करके सब प्रॉपरली मैं बोलूँगा टेस्ट किया था। तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैं अभी आपको बता देता हूँ जो लोगों को काम आ सकता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट तो सबसे इजी है, वो है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है आप कोई भी, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो, लॉन्ग टर्म मतलब कि बहुत लॉन्ग टर्म नहीं बोलूँगा मैं, अगर एक डिसेंट 6 महीने या उससे ऊपर होल्डिंग का रखते हो व्यू, तो जनरली अगर आप 125 दिन जो कि करीब करीब 6 महीने के बराबर होता है उसका मूविंग एवरेज यूज करोगे टू आइडेंटिफाई द लॉन्गर टर्म ट्रेंड, और एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यूज करते हैं हम 10 पीरियड का, 10 दिन का मूविंग एवरेज हम लोग इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि हमको 10 दिन का ट्रेंड जानना है, हमको 10 दिन का मूविंग एवरेज हम लोग इसलिए यूज करें क्योंकि प्राइस अगर हम लेते हैं तो वो बहुत वॉलेटाइल होता है, किसी दिन वो मूविंग एवरेज के नीचे चले जाएगा, किसी दिन वो मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा, तो वो हमको बहुत सारे विप्सॉस देगा। तो उसके लिए हम एक प्राइस को थोड़ा स्मूथ करने के लिए हम 10 दिन का मूविंग एवरेज ले लेते हैं। ठीक है तो 10 दिन का जब मूविंग एवरेज 125 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, और 10 दिन का मूविंग एवरेज जब हम 125 दिन के नीचे जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। ये सिंपल स्ट्रैटेजी पे मैंने बैक टेस्ट किया था, जैसे मैंने बताया 2000 स्टॉक्स पे 20 साल के डेटा पे, तो हमने देखा कि इस सिंपल स्ट्रैटेजी का रिटर्न के मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। But Sumit, my first question will be,
why 125 but why not 144 why not 89 simple batata hu uska jawab 125 iske liye kyunki mujhe 6 mahina bahut acha lagta hai 6 months kyun acha lagta hai kyunki dekho 6 mahina saal ka aadha hota hai aur koi bhi cheez jo hoti hai na wo saal ke hisab se chalti hai aap dekho to balance sheets साल के हिसाब से बनती है ऑडिटेड बैलेंस शीट एक साल में एक बार बनेगी ठीक है आपके सीजन्स जो होते हैं वो गर्मी एक साल के बाद आती है सर्दी एक साल के बाद आती है तो क्रॉप्स जो होते हैं ना वो भी एक साल के रोटेशन में चलते हैं सारे क्रॉप्स आप कोई भी देख लो ठीक है फिर आपका और भी जैसे कई सारी चीज़ें होती है वो ईयरली के हिसाब से हम लोग करते हैं कोई प्लान करता है तो एक साल का प्लान करता है कोई साल में एक बार घूमने जाएगा एक साल में एक बार हमको घूमने जाना है तो बहुत सारी चीज़ें ईयरली के हिसाब से हम लोग करते हैं और कोई भी अगर आपको कोई भी साइकिल को अगर आपको कैप्चर करना है कोई भी साइकिल को अगर कैप्चर करना है तो उसको आपको अगर आप वो साइकिल का पूरा पीरियड लोगे ना तो आप उस वो साइकिल पूरा मिस कर दोगे तो आप अगर उसका हाफ लेते हो तो आपको पूरा वो साइकिल का एडवांटेज मिला क्योंकि आधा टाइम तो उसको चढ़ने में लगता है एक आधा टाइम उतरने में लगता है जब साइकिल पूरा होगा तो आधा टाइम वो ऊपर जाएगा आधा टाइम नीचे जाएगा राइट तो एक साल पूरा अगर आपको कैप्चर करना तो आपको 6 महीने का लेना पड़ेगा तो 6 महीना मेरा फेवरेट पीरियड है मैं कोई भी स्टडी करता हूँ पहले स्टडी को 6 महीने में ही टेस्ट करता हूँ और मैंने कम से कम 10 से 15 अलग अलग टूल्स लिए हैं 6 महीने में मैंने यूज़ किया है ऐसा कोई टूल नहीं मिला मुझे जो 6 महीने में नहीं चलता अगर थोड़ा सा भी लॉजिकल है कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर है 6 महीने में वो चलता ही है तो ये जो मूविंग एवरेज का मैंने आपको बताया इसका रिटर्न साल का 27% CAGR है 27% जो किसी भी म्यूचुअल फंड से या निफ्टी के रिटर्न से या इंडिया के कोई भी म्यूचुअल फंड होने दो उससे रिटर्न से बेटर है सिर्फ ये सिंपल स्ट्रेटजी इससे प्रॉब्लम क्या है इस पर विप्सॉस बहुत आते हैं इसका विन रेट बहुत कम है जो पब्लिक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती इसका रिटर्न सिर्फ इसका जो विन रेट है वो सिर्फ 30% है मतलब कि आप 100 ट्रेड लेते हो उससे सिर्फ 30% आप राइट जाओगे और 70% ट्रेड्स पे आप रॉन्ग जाओगे क्योंकि जो मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपके रॉन्ग जाओगे तो आपका लॉस जो होता है वो छोटा होता है आपका एवरेज लॉस जो है इसमें वो 10% के आसपास है ठीक है मगर आपका जो विनर है एवरेज विनर आपका 65% है आपका एवरेज विनर 65% है आपका एवरेज विनर सिर्फ 9% है तो वहां पे आप पैसा बनाते हो जबकि विन रेट आपका सिर्फ 33% है अच्छा दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करता हूं मैं जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो एक थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम लोग लेवल पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 2 मेजर एडवांटेज है सिंपल मूविंग एवरेज पे पहला कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो उसमें ड्रॉप ऑफ इफेक्ट नहीं होता मतलब ड्रॉप ऑफ बोले तो जब हम 10 दिन का मूविंग एवरेज लेते हैं तो जब 11वें दिन का डेटा आता है तो 10 दिन पहले का डेटा जो है उसको ड्रॉप कर देते हैं और नया डेटा ऐड कर देते हैं उस पर तो उसको ड्रॉप ऑफ इफेक्ट बोलते हैं उससे फर्क क्या पड़ता है वो वॉलेटाइल ज्यादा होता है सिंपल मूविंग एवरेज शॉर्ट पीरियड्स में क्योंकि जब आप डेटा ड्रॉप करते हो और वो दिन का अगर डेटा बड़ा था मतलब कि समझो वो दिन में 10% का मूव आया था और वो 10% का जब आप कैंडल हटा देते हो और जो नया कैंडल आता है वो सिर्फ 1% का है तो वो आपका मूविंग एवरेज को डिस्टॉर्ट कर देता है एक्चुअल में तो प्राइस ऊपर ही गया है अभी ये 1% ऊपर का मूव है आज का और 10% का मूव था 10 दिन पहले का तो वो ड्रॉप हुआ और 1% का मूव आया तो एक्चुअली तो प्राइस ऊपर गया मगर आपका मूविंग एवरेज नीचे घुस जाएगा क्योंकि वो ड्रॉप हो गया तो उस ड्रॉप ऑफ इफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं दूसरा एडवांटेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो रीसेंट डेटा पे ज्यादा वेटेज देता है उसका एडवांटेज क्या होता है अगर आप स्टडी करें डेटा को मैंने तो काफ़ी स्टडी किया हुआ है तो उसमें क्या होता है कि जो जो रिसेंट डेटा होता है जैसे कि आज का डेटा कल के डेटा से आज का डेटा प्रिडिक्ट करना या परसों के डेटा से कल का डेटा प्रिडिक्ट करना अगर आप उस पर आप ऑटो कोरिलेशन जिसको बोलते हैं अगर ऑटो कोरिलेशन आप चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा कोरिलेशन जो होता है कोई भी डेटा का वो अपने पिछले डेटा से होता है मतलब कि आज के डेटा से मैं कल का डेटा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ वो सबसे बेस्ट प्रिडिक्टर है अगर आज मार्केट ऊपर था
तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी कि कल भी मार्केट ऊपर होगा, ठीक है। अगर कल मार्केट नीचे था तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि परसों मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो रिसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज देना सेंस बनता है, ओके। तो अगर इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने डबल स्मूथ किया। डबल स्मूथनिंग का क्या मतलब होता है कि एक मूविंग एवरेज का मूविंग एवरेज लिया हमने। हमको स्मूथ इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं यूज कर रहे, हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्लोप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लोप का मतलब यह हुआ कि अगर आज का जो मूविंग एवरेज है वो कल के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो स्लोप ऊपर है, अगर आज का मूविंग एवरेज कल के मूविंग एवरेज से नीचे है तो स्लोप नीचे है, ठीक है। तो जब ये स्लोप ऊपर होता है, मतलब आज का मूविंग एवरेज कल के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हम बाय करते हैं, और अगर ये स्लोप चेंज हो जाता है, आज का मूविंग एवरेज कल के मूविंग एवरेज से नीचे हो गया तो हम एग्जिट कर देते हैं। तो इतना सिंपल से रूल के साथ जब हम डेट टेस्ट करते हैं इसको, तो इस स्ट्रेटेजी का भी रिटर्न 20 साल में 2000 स्टॉक्स पे 27% है, 27% है, ठीक है। और इसका भी डिसएडवांटेज वही है कि ये सिर्फ 30% रिटर्न, 30% राइट जाता है, 70% रॉन्ग जाता है। सो इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस कि हम कितना रॉन्ग जा रहे हैं। हम जब रॉन्ग जाके भी अगर पैसा बना रहे, पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए ये बताना मुझे जरूरी है कि आप गलत ज्यादा जाओगे। ऐसे कोटा अगर मार्केट में 30% आप राइट जाएंगे और सर तो भी बहुत अच्छा रेशियो है। वही मैं समझाना चाहता हूँ कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स का, आपको ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप ट्रेंड फॉलोइंग मत करो, आप लॉस करोगे पैसा, क्योंकि आपकी मेंटल सेटअप नहीं है। अगर आपके 4-10 में से अगर 7-8-9 ट्रेड गलत जाते हो और एजिटेट हो जाते हो ना, तो ट्रेंड फॉलोइंग आपके लिए नहीं है। और बहुत कम लोग एक्चुअल में ट्रेंड फॉलोइंग में पैसा बना पाते हैं रियलिटी में, क्योंकि वो लोग रॉन्ग होना पसंद नहीं करते, उनको बर्दाश्त नहीं होता रॉन्ग होना। जिनको ईगो बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो रॉन्ग हो जब जाते हैं तो उनको जमता नहीं है वो चीज। तो यहाँ पे ईगो को आपको अपना थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर नहीं रख सकते हो तो फिर ये स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं काम करेगी, आप पैसा गवाओगे, इसमें बना नहीं सकते। परफेक्टली सेड सोहित भाई। यस रणवीर जी, यू हैव सम क्वेश्चन। तो आपको खुद को जानना पड़ेगा अपने आप को, कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से पहले खुद को अगर नहीं पहचानोगे तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपके लिए चलेगी कि नहीं चलेगी आपको नहीं समझ में आएगा। सोहित सर, एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी, मैं ऐसा सा कुछ करता भी था कैश में। एक दो डिफिकल्टीज जो मेरे को आती थी जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मे बी आपने बिकॉज इतना रिसर्च करा है तो आप उस पर करेंगे। यूजली क्या है, हमें नहीं पता सर स्टार्टिंग में जो भी हम ट्रेंड ले रहे हैं, बिकॉज 30% चांसेस हमारे विनर्स बिग होने चाहिए मोस्टली राइट, हमारे उसको करने के लिए। सो जब हमें स्टार्टिंग में ट्रेड लेते हुए पता नहीं होता कि कौन सा जाएगा, राइट सर, ट्रेडिंग का एक थोड़ा सा रहता है। दूसरा उसमें जो मेजर पार्ट आता है, बिकॉज कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मे बी इसे अगर मैं 100 रुपये हैं और 10 रुपये एक स्टॉक पे लगा रहा हूँ, 10 स्टॉक्स ले रहा हूँ, सो जब मेरा एलोकेशन 10 पे हो चुका है मोस्ट प्रॉब्ली, उसके बाद जो ट्रेड आता है, सो एंड क्या पता वो वाले ही मेन मेरे को मतलब प्रॉफिट ज्यादा दे रहे हो इन लॉन्गर टर्म, एट द स्टार्टिंग आई डोंट नो बट मे बी। सो जो आपने रिसर्च किया उसमें कहीं पे आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा देख के कुछ करा है? हाँ, मैंने टेस्ट किया वो चीज भी। हाँ, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग सर, आपको भी करते हैं? सी, अगर आप, मैं पहले आपका सेकंड पार्ट लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट मैं बाद में लेता हूँ, ठीक है। आपका सेकंड पार्ट ये है कि जब आप लोगे ट्रेड तो आपका जो है वो लॉसेस जो होंगे वो, अगर आप 10 पोजीशन ले रहे हो तो कैसे ज्यादा अगर लॉसेस हो गए इनिशियली तो क्या होगा? तो आप इस स्ट्रेटेजी में आपको नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर, मेरा क्वेश्चन है सर लॉसेस की बात ही नहीं कर रहा मैं, लॉसेस वो तो ट्रेड मेरा कट जाएगा, मेरा उतना कैपिटल फ्री हो जाएगा, ठीक है सर। स्टार्टिंग में मेरे मान लीजिए 10 ट्रेड में से 7 रॉन्ग जा चुके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 10 के 10 रॉन्ग जा चुके, बिकॉज वो तो बताते नहीं आते कि कौन सा 30 चलेगा। द हिट रेशियो इज बेसिकली आफ्टर और उससे मेनी मेनी ट्रेड्स, सो वो इफ लक इज बैड देन वो पहले भी बहुत सारे आ सकते हैं। लेकिन माय क्वेश्चन इज सपोजिटली माय 10 ट्रेड्स और माय एलोकेशन इज ऑफ 100 रुपीस, 10 रुपीस ईच इन ईच ट्रेड, एंड ऑल 10 आर रनिंग, राइट सर?
सो एंड वी डोंट नो कि जो नया ट्रेड अगर कोई मेरे सिस्टम पे आ रहा है इस सिस्टम के ऊपर वो बेटर है या पुराना बेटर है. सो एट दैट जंक्शन आप उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं कि फर्स्टली ये स्ट्रेटेजी में मैं इतना छोटा सेट पोर्टफोलियो नहीं बनाऊंगा. ये स्ट्रेटेजी में आपको पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. आप समझो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 30 स्टॉक होने चाहिए. मैं तो 30 नहीं, मैं तो बोलूंगा कि 50 होने चाहिए. बट ठीक है, अगर आप ज्यादा नहीं हैंडल कर सकते हो क्योंकि ये इजी है, मूविंग एवरेज को आप इजीली आप स्कैन कर सकते हो. इवन इन केस ऑफ 30 अगर आप अपने रिसर्च को देखेंगे दे विल बी प्रोबब्ली अराउंड हंड्रेड्स ऑफ ओकेजन बिकॉज़ टाइम पीरियड बहुत लंबा है. बहुत स्टॉक्स हो जाते हैं जैसे बुल मार्केट जैसे आया 2020 का, तो उसमें बहुत सारे मेरे को लगता है 300-500 स्टॉक्स होंगे वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे. जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट है प्रॉब्लम. ठीक है, तो उसमें चीज आप एक कर सकते हो. आपको अगर अपना परफॉर्मेंस बेटर करना है तो आप मूविंग एवरेज का जो दोनों मूविंग एवरेज का रेशियो है वो निकाल लो, और वो रेशियो जिसका ज्यादा है, मतलब कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जिसका ज्यादा है उस पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. सो सर बेसिकली अगर मेरा कोई ट्रेड कंटिन्यू चल रहा है मैं उससे निकल के जो न्यू ट्रेड आ रहा है उसमें शिफ्ट करूं. देखो मैं पर्सनली इतनी इजीली शिफ्ट करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा टर्नओवर करना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे को ब्रोकर को अमीर नहीं बनाना है. मुझे अमीर बनना है, ब्रोकर को अमीर नहीं बनाना. ठीक है, तो मैं रनिंग ट्रेड्स को टच नहीं करता हूँ. जो नए ट्रेड्स आएंगे ना, हर ट्रेड पे हम उसका स्ट्रेंथ देखेंगे और एक स्ट्रेंथ को फिक्स करेंगे. इस स्ट्रेंथ के ऊपर तो ही हमको ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेने का. ठीक है, तो वहां पे हम उसको फिल्टर कर सकते हैं. नहीं, आप रेशियो का एक रेंज बड़ा रखो कि समझो कि जब आप रेशियो लेते हो तो इट विल बी लाइक अबव 1 विल बी बुलिश एंड से 1.2 के ऊपर है तो हम जाएंगे तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे बेसिकली. नहीं नहीं सर, दैट आई एग्री. व्हाई आई एम आस्किंग इज सी सर, बेसिकली बुल मार्केट में ही वो सारे ज्यादातर जैसे आप भी कह रहे हैं वही द प्रॉब्लम केम देयर ओनली सर, बिकॉज़ रिटर्न जो है ना सर, मतलब एक्चुअली जो रिटर्न लेवल है अगर आप ऐसे करें कि इसको अगर आपके सिस्टम में डाल के देखें कि 30 का डाल के देखें और जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से चेंज करके भी देखें तो रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी कितना आ रहा है वो अगर मैं तो सिंपल रखता हूँ चीजों को. मेरे को इतना कॉम्प्लेक्स करना नहीं पसंद है. मैं तो सीधा सीधा रेशियो निकालूंगा, रेशियो का एक देख लूंगा कि इस रेशियो के ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तो मैं वो रेशियो के हिसाब से फिक्स कर दूंगा कि बस ये रेशियो के ऊपर आएगा तो ही बाय करना है, नहीं तो नहीं करना. सिंपल. ठीक है, उसमें कुछ तो मिस होने ही वाले हैं स्टॉक्स, और अब सब मल्टीबैगर्स को आपके झोली में आएंगे ऐसा होना नहीं वाला है. ठीक है, तो मैं उसको ऑप्टिमाइज करने की ट्राई नहीं करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे मालूम है कि सब नहीं आ सकता, और कहीं ना कहीं आप मानो या नहीं मानो लक का फैक्टर आता ही है. आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी किस्मत में नहीं है तो वो नहीं होने वाला. आपका स्टॉप लॉस 1-5 पैसे से हिट करके वो चल जाता है स्टॉक. ठीक है, तो लक तो फैक्टर होता ही, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं उसको ऑप्टिमाइज करने का ट्राई नहीं करता पर्सनली. क्योंकि आप समझो आपका रिटर्न जो है ना वो बहुत फर्क नहीं, आपका ऐसे ही 27% रिटर्न बन रहा है. ठीक है, तो आप ये थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करके आपको एक स्टॉक नहीं, आपका पोर्टफोलियो टाटा लेक्सी नहीं आएगा तो अदानी इंटरप्राइज आएगा, अदानी इंटरप्राइज नहीं आएगा तो कोई और स्टॉक आएगा. ठीक है, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता. आपको तो 2-4 ही विनिंग ट्रेड्स चाहिए ना पैसा बनाने के लिए. आपके तो 70 में से 3 ही, मतलब कि 100 में से 30 ही चाहिए, 10 में से 3 ही विनिंग ट्रेड चाहिए, तो वो आपको मिल जाते हैं वैसे भी. परफेक्टली सर. एंड एंड सेकंड पार्ट सर, रणवीर जी. या जी जी, आइए थोड़ा सा. रवि भाई काफी देर से सुन रहे हैं, उनका व्यू ले लेते हैं. बिल्कुल रवि जी. नहीं चलेगा रणवीर जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए अगर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहे हैं. सॉरी नहीं 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 रवि जी, आप का स्टार्ट करिए. हेलो. हाँ रवि जी आप स्टार्ट करिए. सोमित जी तो हम तो वैसे ही बात कर लेते हैं. जी जी, तो टॉपिक ऑलमोस्ट सबने ऑलमोस्ट सारी चीजें मोस्टली कवर करी थी. ट्रेंड के बारे में प्रीति जी ने, सोमित जी ने, अमित सर ने, आप सब लोगों ने काफी डिटेल से बताया.
ट्रेंड के ऊपर मैं ज्यादा थोड़ा कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा मुझे वैसे भी कॉन्ट्रा ट्रेडर के नाम से जानते हैं, या बिकॉज सबका थोड़ा सा एनालिसिस करने का अपना एंगल होता है, आप ट्रेंड को किस तरीके से देखते हो। जैसा मैंने 1500 के आसपास भी अपन इसी स्पेस पर हम लोगों ने क्लियर बात करी थी कि भाई आप निफ्टी ले लीजिए चाहे बैंक निफ्टी ले लीजिए, सिंपल सा आपको ये देखना चाहिए कि वो जो इंडेक्स बना है उसके कंपोनेंट कौन है। मतलब मैं हमेशा उनके कंपोनेंट्स को चेक करता हूँ, और उस समय पर भी भले ही 1500 के आसपास हमने एक ही बात क्लियर बोली थी कि भाई जो निफ्टी के 50 के 50 मेंबर्स है उसमें से 50 में से ऑलमोस्ट 45 से 46 काउंटर ऐसे लेवल्स पर आकर खड़े हैं जहां से आप एक काउंटर दो काउंटर को गिरा सकते हो, लेकिन पूरे 45-46 इंडेक्स को 45-46 काउंटर को आप एक साथ तोड़ नहीं सकते। तो मैंने उसके लिए सेंटेंस यूज किया था कि आप जब पूरा परिवार एक साथ सपोर्ट के साथ खड़ा हो गया ना, तो परिवार के एक दो मेंबर को तोड़ना इजी हो जाता है, पूरे परिवार को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। सिमिलर मैनर में फिर पुल बैक हम लोगों ने देखा, और जिन्होंने पुल बैक अटेम्प्ट किया जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जिन जिन भी काउंटर्स, मैंने काउंटर स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, बाकी ICICI बैंक, L&T, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, डेल्टा कॉर्प, बहुत सारे काउंटर्स थे, और जिन जिन काउंटर्स में लिसनर्स ने पुल बैक अटेम्प्ट लिए अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड उनको मिल गया। सो हमारे लिए जो मेरे लिए मैटर करता है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है रिस्क रिवार्ड, इवन दो अगर वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड भी होता है बट मेरे क्राइटेरिया में बैठता है तो मैं वहां पर रिस्क लेना पसंद करता हूँ। जस्ट लाइक मैं बात शुरू करूंगा लुपिन लिमिटेड के साथ, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। लुपिन का काउंटर अभी आप देखोगे कंटिन्यूअसली, आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख लीजिए बियरिश ट्रेंड है, मीडियम ट्रेंड देख लीजिए बियरिश ट्रेंड है, रिजल्ट आप देखोगे नेगेटिव रिजल्ट है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ है जो कंपनी में मुझे अच्छा लगता है। अब क्या चीजें हैं, कंपनी के आप प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी बोल सकते हो, या आप कंपनी का जो मैनेजमेंट का प्रेजेंटेशन स्किल्स है, या जो मैनेजमेंट के ऊपर जो फेद होता है उसको आप बोल सकते हो। और ये कंपनियों में देखिए, ये कंपनियों के रिजल्ट्स जो आए हैं, आज इनके किसी प्लांट्स को अगर कल क्लियरेंस मिल जाता है, इनका वापस सेल्स वॉल्यूम और बाकी सारी चीजें लाइनअप हो जाती है। सो हमारे लिए मैटर ये करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड, आप अपने जोन में, आप कौन से जोन में आप ट्रेड लेने को कंफर्टेबल हो। आपको लगता है कि नहीं 16400 के ऊपर जाने के बाद वी आर वेरी कंफर्टेबल, आप बिल्कुल वहां अटेम्प्ट लीजिए। मुझे लगता है नहीं, मैं तो 16100 आएगा वहीं आएगा तो ट्रेड करूंगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आई विल नॉट ट्रेड इन इंडेक्स, स्टॉक्स से जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वहां ट्रेड कर लेंगे, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। क्योंकि जब ट्रेड मिलता है, बिकॉज हम 1:1 के लिए मैं ट्रेड नहीं करता हूं, मेरे जो भी ट्रेड रहते हैं 1:2, 1:3, 1:4 छोटे रिस्क बड़े रिवार्ड्स के साथ ट्रेड करते हैं, और उसमें 10 में से 6 ट्रेड भी गलत जाते हैं तो भी कोई तकलीफ वाली चीज नहीं रहती है। कोइंसिडेंटली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी 10 में से अगर 6 ट्रेड भी गलत जाते हैं तो भी कोई तकलीफ होती नहीं है। अब अपन बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी के अंदर हमने ये बोला था कि हमें ये चेक करना है कि पहला जो ये अपस्विंग आया है उसके बाद हमें ये चेक करना है कि पहले बायर इसको कहाँ रेसिस्टेंस देते हैं। सो हमें क्लियर ये दिखा कि 15700 के बाद हमने ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस दिया 15900 के आसपास, और अभी भी मुझे ये लगता है कि अब अगर यहाँ से किसी तरह का ड्रॉडाउन मार्केट में आता भी है तो बायर्स जो है इसको 16100 16150 के आसपास ही रेसिस्टेंस दे देंगे। सो अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेंड की मैं बात करूं तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेंड में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश यहां से बन जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू की बात हमें नहीं करनी, ये करनी चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग सेलर खड़े हैं, जो ऊपर से ट्रेंड को देखते आ रहे हैं, जिन्होंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, उनके हिसाब से वो वेट कर रहे हैं कि 16480 16500 एक साइकोलॉजिकल जो एक राउंड लेवल भी अपन पकड़ते हैं तो 16500 के आसपास वो भी गिव अप करेंगे नहीं, है ना। या अपन इसको दूसरे तरीके से ये देख सकते हैं कि भाई जैसे FII है या कोई है, वो भी ये इंतजार कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा ऊपर आ जावे तो हमें भी अच्छे लेवल मिले बेचने को। सो 16500 16540 की एक रेंज टेम्पररी जो हम आने वाले 5-7 दिन के लिए बोलते हैं वो एक रेंज रहेगी, उस रेंज तक मार्केट अपना जाएगा। 16400 को मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है, 16400 हम इजिली ब्रेक कर देंगे। 16500 से 16540 की जो रेंज रहेगी वहां पर हमें किसी तरीके का थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, और उसके पीछे का रीजन ये है कि उसके साथ आप देखोगे तो उस करने जब निफ्टी 16500 16540 के रेंज तक पहुंचेगा तो बैंक निफ्टी भी उस समय पर रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच जाएगा। निफ्टी के वो सब काउंटर्स जिनमें पुल बैक आया है उनमें भी एक अच्छा खासा पुल बैक जो होता है वो पुल बैक वहां पर जनरेट हो जाएगा। तो उसके बाद हमें ये देखना है कि वहां से जो सेलिंग आती है उस सेलिंग को क्या हम 16300 के आसपास रेसिस्टेंस देना शुरू कर देते हैं क्या। अगर फिर हम ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस देना शुरू कर देते हैं, मतलब 16300 के आसपास से हम फिर बायर जो है वहां से बाइंग इनिशिएट कर देते हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि उसके बाद जो 16500 वाले जो सेलर थे
और जो मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर जो ट्रेड कर रहे हैं या जो ट्रेंड के बेसिस के ऊपर जो ट्रेड कर रहे हैं ना, वो सब फिर हमारे लिए बोनस हो जाता है। सो ये मेरा एनालिसिस है, मैं इस तरीके से देखता हूँ। माइट बी, देखिए सिस्टम जो आप लोग फॉलो करते हो। रवि रवि रवि, क्वेश्चन है कि अभी ओवरऑल अपने को ट्रेंड क्या लग रहा है, कि यहाँ से डिप पे बाय करने का है कि सेल ऑन द रैलीज करना है, निफ्टी ऑल टुगेदर देन स्टॉक स्पेसिफिक थिंग्स। देखिए अमित सर, अभी जहां पर हम खड़े हैं वहां पर मेरा निफ्टी को लेकर कोई व्यूज नहीं है, बिकॉज आज के बाद 3 दिन की हमारी हॉलीडेज भी है, फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे संडे जो हॉलीडे, तो फिलहाल अपना कोई निफ्टी के ऊपर मेरी कोई पोजीशन नहीं है और ना ही किसी तरह का ना नेगेटिव व्यू है ना पॉजिटिव व्यू है। हाँ डेफिनेटली अगर नीचे की तरफ 16200 के आसपास निफ्टी आएगा, आई एम बुलिश इन निफ्टी, मैं बिल्कुल 16200 के आसपास अगर मुझे मिलता है मैं डेफिनेटली निफ्टी को लॉन्ग करने का अटेम्प्ट करूंगा, बिकॉज मैंने जैसा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मुझे लगता है 16400 को हम लोग ब्रेक कर देंगे, 16500-16550 की रेंज में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कमिंग वीक के अंदर मुझे विजिबल लग रही है निफ्टी, और यही सपोर्ट जो आएगा बैंक निफ्टी के अंदर भी। आप देखोगे बैंक निफ्टी भी 35800-36000 की जो रेंज है उस रेंज के आसपास तक बैंक निफ्टी भी ड्राइव करना चाहिए। रवि अगेन थैंक्स फॉर यू जॉइनिंग अस इवन लेट, बट रवि तू व्यू देता है ना, लोग पैसा कमाते हैं उस व्यू से। ठीक है अपना व्यू, कोई स्टॉक में मैं ट्रेड नहीं करता, बीओबी फेड बैंक कोई थैंक्स ही बोल के गया था मुझे, मैंने बोला मेरा अकेले का व्यू नहीं था, मैं डेटा बोल के गया था, रवि ने बिना डेटा बोले कुछ बीओबी और फेड बैंक के लिए, सो थैंक्स फॉर दैट, बिकॉज पीपल आर मेकिंग मनी ज्वाइनिंग दी स्पेसेस। हम हमेशा लोगों को चेतावनी देते थे भैया यहाँ पे खराब दिखता है, आज अटेम्प्ट मत करो, कल का ट्राई कर लेंगे। सो रवि थैंक्स फॉर यू। अमित सर थैंक यू बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ये तो अपना काम है, सो वी आर जस्ट डूइंग अवर जॉब, नथिंग एल्स। और जैसा आप बोलते हैं कि मेरा भी एक ही विजन इसके साथ, जब मैं आज ट्विटर पे ट्रेड शेयर करता हूँ बहुत ओपनली, हर चीज को बहुत ओपनली शेयर करता हूँ, इवन दो पोजिशन एंट्री एग्जिट कब एड कर रहा हूँ, कब एग्जिट ले रहा हूँ, कब पोजीशन बढ़ा रहा हूँ, कब पोजीशन कम कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आप चेक करेंगे एवरी लिसनर्स या जो भी मेरे को फॉलो करते हैं कि दे नोज वेरी वेल, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट अपडेट रहती है, इवन दो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई ओनली फोकस रिस्क एंड रिवार्ड्स, सो दैट इज माई की पैरामीटर। और उसके बाद जो आपने बताया कि सबसे बड़ा रीजन, एक सेकेंड और तेरे के फॉलोअर्स है ना मुझे बोलते हैं आप रवि सर को इन्वाइट नहीं करते, रवि जैसे ही स्पेस में आता है ना, अगर स्पेस में कुछ लोग बोल रहे होंगे मैं रवि को इनविटेशन भेज देता हूँ, ये रवि खुद जानता है कि उसको इनविटेशन आता है कि नहीं आता है। अगर रवि बोल दे मैंने उसको इनविटेशन नहीं भेजा है तो रवि मुझे आके पक्का बोल सकता है कि आपने नहीं भेजा, ठीक है, क्योंकि आके कोई सही बात करेगा स्टॉप लॉस के साथ, बात स्टॉप लॉस सबके ट्रिगर होने यार, उसमें हमें कोई दो राय नहीं है, किसी ने कोई ट्रेड दिया स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो हमें उसमें कोई गम भी नहीं है, ट्रेड देखे जा रहा है ना, स्टॉप लॉस के साथ देखे जा रहा है। तो भैया रवि तो इतना प्यारा है मेरा, मैं उसको रात को 12:30 बजे बुला के भी है ना बोल तू स्पेस ज्वाइन कर, कुछ अच्छी चीज बता रहे ना स्टॉप लॉस के साथ बता रहा है, हमें क्यों परवाह करनी बाकी चीज की। परफेक्ट परफेक्ट, तो रवि भाई कमिंग वीक यस यस हिमांशु सर मैं आ रहा हूँ, बिकॉज कुछ व्यूज कुछ क्वेश्चंस आए भी थे, उन क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं आऊंगा, स्पेशली ONGC के ऊपर भी मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा, और मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट रखूंगा, आप डिसाइड कीजिए क्या करना चाहिए, फैक्ट के बाद पोजीशन क्लियर हो जाएगी। सी आज का जो फॉल था एक नेगेटिव न्यूज थी डेफिनेटली, विंडफॉल टैक्स, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि विंडफॉल टैक्स जो होता है ये विंडफॉल टैक्स परमानेंट टैक्स नहीं होता है, ठीक है ना, जिस हिसाब से हमने ये डिसाइड किया कि भाई क्रूड का प्राइस भी परमानेंट नहीं है तो विंडफॉल टैक्स भी परमानेंट नहीं हो सकता, लेकिन एक बात यहाँ से ये क्लियर हो गई कि क्रूड का प्राइस जो है ना वो इतना जल्दी भी वापस हमें $60-70 वाली रेटे क्रूड्स की मिलनी नहीं है। सो अल्टीमेटली अगर मैं 30% विंडफॉल टैक्स को ONGC की जो करंट अर्निंग पर शेयर है, करंट अर्निंग पर शेयर ONGC की मेरे हिसाब से 35-40 रुपीज के आसपास आती है, अब अगर मैं उसमें से 30% का विंडफॉल टैक्स भी निकाल देता हूं उसके बावजूद भी उसका जो EPS है वो 28-30 रुपए की अर्निंग फिर भी बनती है, और उसके बावजूद भी अगर हम उसमें 25% का ड्रॉडाउन फैक्टर कर लेते हैं कि भाई क्रूड का प्राइस यहां से और 20% नीचे आ जाता है तो भी ONGC की EPS बुरी से बुरी कंडीशन में 20 रुपए के नीचे नहीं जाती है। एक पॉइंट, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, 3 बिलियन
4 बिलियन का एक्सप्लोरेशन सेक्टर में एक्सप्लोरेशन के लिए कंपनी आने वाले 3 सालों में $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब 31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ओनली इन एक्सप्लोरेशन पर्पस। अब सोचिए उनका मतलब क्या कंपनी के पीछे का विजन जो है। सो जिस हिसाब से ये डिसीजन कल आया है कि 31,000 करोड़ का कंपनी 3 सालों में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि इस कंडीशन में किसी तरीके का हमारी गवर्नमेंट किसी तरीके का विंडफॉल टैक्स लगाने का डिसीजन लेगी। बट बाजार है, बाजार रूमर्स को न्यूज को सपोर्ट करता है। न्यूज के ऊपर पॉइंट था एक, मतलब बोलते हैं ना कि खराबी के समय पर अगर थोड़ी सी न्यूज भी खराब आ जाती है। अब काउंटर एक तो पहले ही 200 DMA के आसपास कर रहा था, और जैसे ही टेक्निकली बोलते हैं कि 200 DMA के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है और वहां पर नेगेटिव न्यूज और साथ में मिल जाती है तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। सो माय पर्सनल व्यू इज ONGC शॉर्ट टर्म इज आल्सो बुलिश, लॉन्ग टर्म इज आल्सो बुलिश। और आप जो इसको क्रूड के फैक्टर्स के साथ और बाकी जो विंडफॉल टैक्स के साथ फैक्टर करते हो उसके लिए भी मैंने कुछ बातें रख दी है। सो आप डिसीजन ले सको। उसके बाद आप डिविडेंड फैक्टर्स को देख लीजिए कि आपको किस तरीके का कंपनी डिविडेंड देती है। ये सब सोचने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार, 4 रुपए के मतलब 4K प्राइस अर्निंग पर ONGC आपको लगता है कि नहीं बेचने लायक चीज है, तो ठीक है बेच दीजिए। शॉर्ट टर्म हो सकता है 136-135 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक हो सकता है क्योंकि मार्केट है, रिजल्ट सबको पता है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन हमने देखा है बाजार है अच्छे रिजल्ट को भी पेन दे देता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट टर्म मेरी ONGC में। मैं सबके सामने यहाँ पे भी डिस्क्लोज कर देता हूँ, आई हैव पोजिशन इन ONGC, मैंने न्यूज आने से पहले ही पोजिशन ले ली थी, सो आई नॉट बॉदर्ड अबाउट द न्यूज। मेरी ONGC में भी अभी भी पार्शियल पोजिशन है, मैंने पोजिशन बढ़ाई नहीं है क्योंकि मैं ये न्यूज का भी जो इम्पैक्ट है उसको फैक्टर होने देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी पोजिशन भी इंक्रीज करूंगा। बट कंसिडरिंग द रिजल्ट माई व्यूज इज क्लीन एंड क्लियर, हम लोगों को मंडे ONGC में रिजल्ट के बाद अच्छा पुलबैक भी ये काउंटर्स में दिखना चाहिए। और अगर किसी तरीके का अगर ये आ जाता है, इसका खंडन आ जाता है न्यूज का कि भाई विंडफॉल टैक्स वगैरह के ऊपर किसी तरह का कुछ नहीं है, तो हम लोग जैसा हमने ड्रॉडाउन देखा है उससे डबल स्पीड से हम सेम काउंटर में पुलबैक भी देखेंगे। ये हो गई एक बात अपनी ONGC काउंटर को लेकर। दूसरा काउंटर मैं HDFC लिमिटेड के बारे में बात करना चाहूंगा। HDFC लिमिटेड भी हमने देखा कि सेटअप्स बहुत अच्छा सेटअप्स था। मैंने मैं आगे हमेशा सॉरी बोलता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स भैया, ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी बैंक निफ्टी और मार्केट का क्या दिख रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक बात अपन संडे नाइट को कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लग रहा है यहाँ से, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? 16,500-16,550 निफ्टी, 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म हो गया। मीडियम टर्म मीडियम टर्म व्यू के लिए हमें यही देखना है अमित सर, वी विल जैसा हम लोग तो स्पेस में कंटिन्यू आई रहे, हमें ये देखना है कि 16,550 के आसपास अगर सेलिंग आती है तो उसको अगर हम 16,300 के आसपास अगर सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं तो फिर आप ऊपर की तरफ जो टारगेट है उसको बढ़ाकर 16,870-16,900 जो हमारा टारगेट है वो 400 पॉइंट से ऊपर हो जाएगा। सो हम लोग मीडियम टर्म्स में आप अगर हम बोलेंगे कि भाई एक महीने के नजरिए से या 1-2 महीने में अगर 16,300 के आसपास हम सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं ये जो फर्स्ट ड्रॉडाउन आएगा उसमें, तो फिर 17,000 के आसपास के लेवल्स हम लोग निफ्टी में वापस दिख जाएंगे हमें। अच्छा, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तो एक बात कही जाती है भाई, एट द एंड आदमी हो या इंडेक्स, जाना सबको ऊपर ही है। और इसमें मतलब ये खाली कहने की बात नहीं है, इसके साथ मेरे कुछ पॉइंट्स भी है। आप ये देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग लगता है इंडिया को लेके वो ये है कि आज की डेट में हमारे यहाँ पे किसी तरीके का पॉलिटिकल डिसएडवांटेज नहीं है भाई। किसी को ये लेकर किसी के माइंड में ये कन्फ्यूजन नहीं है कि यार ये गवर्नमेंट गिर जाएगी या ये गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है या ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है या ये जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करी। तो जब तक ये सारी चीजें फंडामेंटल फैक्टर्स क्लियर है और ये सारी चीजें आप देखोगे कंपनीज की अर्निंग में भी दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। आप अगर आज रिजल्ट्स देखिए कंपनियों के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हम देखेंगे तो रिजल्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और उसके बाद जैसे PSU बैंक्स की अपन ने बात करी है, PSU बैंक्स का अभी तक मतलब बोलते हैं ना अभी तक कोई मूवमेंट आया ही नहीं है, जो मूवमेंट इन बैंकों में आना है उस तरीके का वैल्यू अनलॉकिंग अभी इसमें हुआ नहीं। एक ही चीज जो आज मैंने ट्वीट किया था कि मुझे गवर्नमेंट कंपनीज में खाली एक ही चीज जो थोड़ा सा अपने को इन्वेस्टर को तकलीफ देती है ना वो आती है कि इनके जो सडन पॉलिसीज में आकर ये थोड़े से चेंज कर देते हैं ना, जस्ट लाइक मेटल काउंटर्स ऑलमोस्ट पहले एक तो बोलते ना पहले बेचारे मर गए थे और मरने के बाद एक गलत टाइम पे न्यूज आ गई भैया कि एक्साइज ड्यूटी और ये जो है इसका कसे इसको 15-20% का रेट हाइक कर दिया।
तो पहले ही मरता क्या नहीं करता वाला सीन हो गया। तो वो चीज अगर गलत न्यूज गलत समय पे आ जाती है तो थोड़ा सा पैनिक जो है वो मार्केट में बढ़ जाता है। बाकी एक जो टाइम वाइज करेक्शन मार्केट में आना था वो करेक्शन आ गया है। और हमें ये भी देखना चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, चंदन भाई अभी थोड़ी देर पहले थे, उन्होंने एक चीज बोले कि सर ऊपर से स्टॉक 70-80% करेक्ट हो गए। बिल्कुल एग्री करता हूं उनकी बात से, लेकिन एक कॉन्ट्रा मुझे बताइए कि नीचे से वो जब चले थे कोविड के टाइम पे जो लो बनाए थे, या कोविड से पहले के जो हाई बनाए थे, वहां से लेकर कोविड के बाद में जो हाई बनाए थे उसमें जो ये रैली थी वो क्या सिर्फ 100% की रैली थी क्या? अरे भाई जब काउंटर 400-400% 300-300% काउंटर चल गए तो उसके बाद 50% का करेक्शन आने को आप ऊपर से 50% का करेक्शन नहीं बोल सकते। इट इज ए हेल्दी करेक्शन और बहुत अच्छा हुआ। मैं तो यही बोलता हूँ कि इस मार्केट में इस तरीके का जो करेक्शन आता है ना, ये करेक्शन हर ट्रेडर को हर इन्वेस्टर को सचेत करता है कि भाई आप अपना पैसा आंख खोल के कान खोल के जो चीज आपको समझ में आती है वहां आप अपना पैसा लगाएंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे। अदरवाइज इस मार्केट ने बता दिया कि भाई 100 रुपए की चीज 50 रुपए होने में समय नहीं लगती है। और आप ये सोचिए 100 रुपए की चीज 50 रुपए तब हो गई है जब इंडेक्स अपने अच्छे खासे लेवल को मैनेज कर रहा है। सोचने वाली बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि अब अगर यहाँ से इंडेक्स में और अगर 1000-2000 पॉइंट का करेक्शन आ जाता है तो ये काउंटर कहाँ पहुंच जाएगी। सो अच्छे काउंटर्स जो भी है उनमें आप बिल्कुल क्वालिटी इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी ट्रेडिंग्स। मैंने एक रवि रवि इन सिंपल टर्म्स जो भी पहला करेक्शन का मूव आएगा दैट जो मैं हमेशा बोलता हूँ पहला आएगा लार्ज कैप में, लार्ज कैप्स में, तो आएगा मिड कैप में अगर मौका मिला, उसके बाद आएगा स्मॉल कैप्स में, राइट राइट। तो ये हमें लेवल का वेट करना पड़ेगा। देखो अगर आपने क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ठीक है, 6 महीने लगी कंपनी अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रही जैसा रवि बोलता है तो समय दो ना उसके अपने इन्वेस्टमेंट को। आप अगर टॉप पे घुस गए तो कंपनी ने थोड़ी गारंटी दिया था कि आपको इस टॉप से ऊपर टॉप का भाव देगी, तो ये समय हमको देना पड़ेगा बाजार में। हम तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो बस आगे निकल जाएंगे, हमें वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप एक निफ्टी लेवल का निफ्टी का लेवल मेंटेन कर लो, 1500 उठता है मैं सब निकाल दूंगा, मैं मेरा स्टॉक स्पेसिफिक कुछ लेवल रहेगा 20% 30% मैं निकाल दूंगा। बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट पोजिशन प्रॉपर नहीं रहेगी मैं निकाल दूंगा। ये भी अगर हम ना करके आए ना तो फिर हम में से किसी को कुछ मत बोलो यार। हम तो हमेशा रोज यही चीज बोलते हैं, रोज रिपीटेड चीज यही बोलते हैं, रवि वही चीज बोलता है भैया 20% इन्वेस्ट करना। मैंने कब बोला तू 100% जाके मेरे नाम पे लगा दे? कभी रवि ने बोला 100% मेरे नाम का लगा दे? वो बोलता भाई पार्शियल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बोल रहे हो हमेशा। सो अल्टीमेटली एक ही चीज हम लोग बोलते हैं कि भाई आप किसी चीज को 100 रुपए में लेने को तैयार थे और वो चीज आज आपको ग्लोबल सेंटीमेंट्स के कारण या कुछ भी आप फैक्टर्स कह लीजिए, उन फैक्टर्स के कारण अगर आपको आज वही चीज 35% 40% डिस्काउंट में मिल रही है और आप तैयार थे, आप उसको 100 रुपए पर लेने को तैयार थे और अब आप जिसे करे हो तो गलती आपकी है। हाँ ठीक है आप तैयार ही नहीं थे, आप बहुत से आज भी बहुत से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है अमित सर जिन्होंने अपना माइंडसेट बना रखा है कि भाई ठीक है निफ्टी में जब तक 12,000-13,000 के लेवल नहीं आएंगे हम लोग पैसा नहीं डालेंगे। ठीक है उसके पीछे उनका माइंडसेट है कि वो किस तरीके से निफ्टी के करेक्शंस को शो करते हैं। आज अगर मैं देखता हूं तो मेरा करेक्शन का पॉइंट वही है, मैं प्राइस अर्निंग को और अल्टीमेटली कंपनी के बिजनेस जो है उनको हम फॉलो करते हैं। अब अगर SCL टेक या कुछ भी, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, SCL टेक या टेक महिंद्रा जैसी कंपनी, हम लोग बोलते हैं कि आईटी की कंपनी अगर 20 के पीई के ऊपर हमको मिल रही है या 20 से नीचे के पीई के ऊपर अगर कंपनी आकर सस्टेन कर रही है तो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईटी जैसी कंपनी को हम 20 का पीई दे रहे हैं तो कोई गलत पीई नहीं दे रहे। आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर ना? या इट इज क्लियर रवि सर, बोलिए। सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग्स। आज आप किसी को भी बोलोगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बाय कर लो तो किसी में एकदम से हिम्मत नहीं होगी, लेकिन मुझे बताइए कि क्यों नहीं बाय किया जाए। आप मुझे एक टेक्निकल रीजन के अलावा मुझे रीजन बताइए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को 70 रुपीज के आसपास क्यों नहीं बाय करना चाहिए।
ना, सो ठीक है, हमने सबके अपने अपने पॉइंट है कि यहाँ से 70 से 50 हो जाएगा तो क्या करेंगे, हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं तो आपको एक लेवल डिफाइन करना पड़ेगा ना अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई ठीक है ये लेवल पर मैं कंफर्टेबल हूँ। बाकी तो मार्केट है, होने को मारुति कल 5000 हो जाए कोई गारंटी नहीं ले सकता इस मार्केट के अंदर, या एचडीएफसी बैंक 3 digit 4 digit में हो जाए कोई गारंटी नहीं ले सकता। सो अल्टीमेट द पॉइंट इज दैट आपको जिस लेवल पर या जिस रेंज के ऊपर आप एक अपना रिस्क रिवॉर्ड जोन जो आपको कंफर्ट देता है उस रिस्क रिवॉर्ड जोन के ऊपर आपको अपने व्यूज को चेंज नहीं करना चाहिए। देखिए न्यूज और व्यूज आते रहते हैं, है ना, नेगेटिव मार्केट के अंदर नेगेटिव खबरें आती है, पॉजिटिव मार्केट में पॉजिटिव खबरें आती है। आप ये चीज को भी देखिए, अगर स्टॉक्स में आप अच्छा मूवमेंट चल रहा होगा ना तो आपको उससे रिलेटेड सिर्फ पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव सराउंडिंग ज्यादा सुनने को मिले। स्टॉक्स अगर नेगेटिव साइड चल रहा होगा ना आपको उसकी न्यूज भी वैसी मिलेगी। सो ये एक मार्केट का मतलब इसको हम बोल सकते हैं साइकोलॉजी पार्ट बोल सकते हो आप या मार्केट का बिहेवियर बोल सकते हो। सो हमें उस समय पर हमें अपने आप को कंट्रोल रखना होता है और हमें हमारे माइंड को स्थिर रख के ये सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है इस लेवल के ऊपर हमें हमारा रिस्क रिवार्ड परमिट करता है तो आप ट्रेड लीजिए। और एक ही वर्ड में हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क हैव 4 letter एंड रिवार्ड हैव 6 letter। तो जब तक आपको 1:1.5 का ट्रेड में आपको 1:1.5 आपको कन्विक्शन नहीं आता है आप ट्रेड मत लीजिए। मिनिमम आप 1:1.5 के लिए आप कम से कम अटेम्प्ट कीजिए, उससे कम के रिस्क रिवार्ड के लिए आप ट्रेड ले रहे हो बेटर आप ट्रेड ना भी करोगे तो भी चलेगा इन माय अंडरस्टैंडिंग। चलो भी इट्स ऑलमोस्ट 1 PM क्योंकि कल सैटरडे है तो सब सुन सकते हैं, बट आई कंक्लूड दिस अपना अगर कल के लिए मंडे के लिए रखते हो कुछ भी स्टॉप इट शुड बी बिलो 16050 16050 के अगर नीचे मार्केट जाता है आपका लॉन्ग काट देना। मंडे मार्केट क्या करेगा मुझे नहीं पता, 16050 प्लस माइनस 25 पॉइंट्स पोजीशन काट देना। अभी मार्केट ने जो पैटर्न बनाया है ना वो पैटर्न है ना थोड़े टाइम में ओवरबॉट हो जाएगा। आली में मुझे ओवरबॉट दिख रहा है, बॉलिंजर में मुझे ओवरबॉट दिख रहा है तो हो सकता है 1-2 दिन में अपने को ओवरबॉट लेवल दिख जाएंगी, वहां से एक छोटा करेक्शन आएगा। वो करेक्शन कितने पॉइंट्स का आएगा मुझे नहीं पता, वेयर इट विल गो आई डोंट नो। सेकंड थिंग सेम और बैंक निफ्टी इट इज गोइंग टू ओवरबॉट जोन ऑन आर्ली चार्ट। मैं आर्ली चार्ट को इतने टाइम इग्नोर किया बट ये समझ में आएगा भैया आर्ली चार्ट को इग्नोर नहीं करना, बट वो सब है ना एक ही पैटर्न दिखा रहे हैं कि भैया यहाँ से उसका ऊपर जाने का नहीं दिख रहा है, ऊपर जाने का नहीं दिख रहा है। 5000 पॉइंट छोड़ दो बट वो जब डिप मारता है ना 20 EMA के आज पहली बार क्लोज दिया, 2 दिन क्लोज हो जाने दो उसके बाद सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सिंपली पुट मंडे जो भी फोन था फॉरगेट अबाउट डो व्हाट एजेक्स इज डूइंग, मंडे शुड नॉट बी बायर इन ऑप्शंस इवन ऑन निफ्टी ऑन इवन ऑन बैंक निफ्टी शुड बी सेलर, मतलब आपको पुट खरीदना पड़ेगा मंडे को। कल हम वापस मैं पूरा डेटा रिसर्च करूंगा किसने क्या पोजीशन बनाई नहीं बनाई, मैं डाल दूंगा डेटा जो बन रहा है मेरे पास, ठीक है। तो एक दिन का इंतजार कर लो, हमें ना और बुलिश नहीं होना इस टाइम पे, हमें इस टाइम और बेरिश नहीं होना है, हमें रियलिस्टिक रहना है इस टाइम पर। हम रियलिस्टिक लेके चलेंगे ना ठीक है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाएंगे पर वो पकड़ में आएगा ना। मैं स्पेस में आपको बोलूंगा मैं आपको है ना 2000 पॉइंट निफ्टी 5000 पॉइंट बैंक निफ्टी का लाके दूंगा, ये स्पेस में बोल के जाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेवल फॉलो करना बस, जहां स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए मुझे फोन ना करना ना मैसेज करना ना डीएम करना, स्टॉप लॉस मेरा भी ट्रिगर होगा ना, मैं उसमें स्ट्रेटेजी बता दूंगा ये स्ट्रेटेजी करना, स्ट्रेटेजी करके जाना तो आपका लॉस कम हो जाएगा। ये मेरा जबान है मैं करके जाऊंगा, आपको बोलूंगा ये करना है पक्का ट्विटर पे डाल के जाऊंगा। सो विद दिस Himanshu वी कैन एंड दिस पीस। कहां जा रहे हो ऑफिस से? डाल के जाऊंगा बोला ना आपने स्ट्रेटेजी, तो आप यू आर गोइंग समवेयर। देवी जी संडे को स्टडी करूंगा सारा स्टडी करूंगा, आप सबको स्टडी यहाँ ट्विटर पे फ्री में मिलेगी, बाकी आप मुझे ठीक है मुझे आप कहीं जा रहे हो ब्रेक वेक ना ले लो तो टेंशन हो जाएगा। आप मुझे पीएम कर देना। नहीं अभी जोधपुर में कहीं नहीं जाएगा मेरे साथ में। अरे नहीं इससे ज्यादा तो मतलब मैं जा ही नहीं सकता,
हिमांशु तो मेरा मतलब स्टॉप लॉस भी नहीं, हिमांशु मेरा टारगेट है, ये अपनी प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम की लिख दे, क्योंकि इसको बोलना कि मेरी प्रॉपर्टी सारा That was a funny part. That was totally funny part. चलो so with this thing we can sorry नहीं या sorry जिनके request आज नहीं ले पाए कल वापस join in करेंगे थोड़ा timely and it is almost 1 o'clock so बढ़िया नींद लीजिए कल मिलते हैं सब लोग धन्यवाद thank you